हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम में सीएस पायल पोपली एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर फोर क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज के हंड्रेड क्वेश्चन यस हम कर रहे हैं एम सी क्यू की सीरीज जिसमें हम टर्म वन में आने वाले सारे चैप्टर्स के एम सी क्यू को देख रहे हैं वन बाय वन अभी तक हमने तीन चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ जाके वो तीनों चैप्टर निपटा दीजिए इसके अलावा मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बनाई हैं एम सी क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज वेल एज़ केस स्टडीज को क्रैक करने के लिए वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर की अब हम करते हैं शुरुआत विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज DTH services are सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डैश अच्छा पैटर्न बता दूँ अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन पहले इंग्लिश में बोलूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगी अपने आप से इसका आंसर ट्राई करने के लिए और फिर मैं इसका करूँगी हिंदी अनुवाद और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगी तो इतने में आपको क्या करना है इन बिटवीन आपको ये करना है कि आपको एक नोटबुक लेनी है एक पेन लेना है और सारे क्वेश्चन के आपके जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो राइट करने हैं जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी राइट आंसर तो आपको अपने नोटबुक में टिक या फिर अगर आंसर गलत है तो उसे रॉन्ग क्रॉस कर देना है और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हंड्रेड क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए कितने गलत गए ठीक है और बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जिनका आंसर आपको मुझे ऑब्वियसली कॉमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा अगेन टेलिंग यू आंसर्स कॉन्वर्सेशन डाउट सब कुछ मैं कॉमेंट सेक्शन वाला ही देखती हूँ वो जो लाइव चैट में चलता है चैट बॉक्स में लिखा होता है वो सब नहीं देखती हूँ तो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं कृपया करके आप उसे डाउट सेक्शन में ही लिखिएगा ठीक है मतलब कॉमेंट सेक्शन में ओके okay, चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज बैंक सेलुलर नॉन ऑफ दब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एंड अब इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो ये बोल रहे हैं जो डी टी एच सर्विसेस हैं जो ज़्यादा पुरानी कॉन्सेप्ट नहीं है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज के द्वारा या फिर बैंक्स के द्वारा या सेलुलर कंपनीज के द्वारा या नन ऑफ द दब के द्वारा अब इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर वन में क्यों रखा है क्योंकि शुरुआत हमेशा सिंपल क्वेश्चन से होनी चाहिए उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि पेपर में भी क्या होता है जब हम कोई एकदम से मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो हमें नहीं आता तो हम पूरे के पूरे उसमें पैनिक हो जाते हैं कि अब तो हो ही नहीं पाएगा ये पेपर हम देख ही नहीं पाते कि आगे के क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं ठीक है सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लिया है ठीक है तो इसका आंसर क्या है लेट मी टेल यू पीपल आंसर इज सेलुलर कंपनीज ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कंपनीज बैंक तो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकते नी होगा सेलुलर कंपनीज हमें ये डी टी एच सर्विसेस प्रोवाइड करती है अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सेकेंड क्वेश्चन इज द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग इन्क्लूड्स डैश कंट्रोल फ्लेक्सीबिलिटी डीलर रिलेशनशिप नन ऑफ द बव मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ आपकी फास्ट वे में क्योंकि आपको सिर्फ नब्बे मिनट मिलेंगे आपकी टर्म वन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिसमें टोटल फिफ्टी क्वेश्चन होंगे तो आपको बहुत ही स्पीड में अपना आंसर टिक करना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम आपका माइंड बहुत पीस में होना चाहिए स्पीड आपको सिर्फ You know, दिमाग दौड़ाने की बढ़ानी है हाँ ठीक है समझ जाओ समझ गए ना फीलिंग समझ गए बस तो चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं आपको बेनिफिट बताना है पब्लिक वेयर हाउसिंग का बताइए क्या हो सकता है उसका राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक वेयर हाउसिंग की एक बेनिफिट होती है फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस से कौन से वाला इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है रिस्क शेयरिंग असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन लेंडिंग ऑफ फंड ऑफ द इंश्योरेंस का फंक्शन याद करने हैं आपको सारे के सारे और बताना इनमें से कौन से वाला उससे मैच नहीं करता दैट विल बी राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेंडिंग ऑफ फंड्स इंश्योरेंस वाले आपको फंड्स नहीं देते हैं मतलब उधारी पे पैसे नहीं देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कंट्रोल कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट यूनिल कंट्रोल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिट कॉन्ट्रैक्ट नन ऑफ द अबव अच्छा मैं यहाँ पे ना इन सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसके लिए ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोज बता बना चुकी हूँ वो भी एग्जाम्पल्स के साथ दिस इज स्ट्रिक्टली एम सी क्यू वाली सीरीज तो इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड लगेगा मतलब जहाँ मुझे लगेगा हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वहाँ मैं कर दूंगी लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि वो मैं तसली से कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए है ना और वो वीडियोज आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी प्ले लिस्ट का लिंक आई गया आपको कॉमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा ठीक है चलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन कॉन्ट्रैक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दैट इज सी डब्ल्यू सी स्टैंड फॉर डैश मतलब एक अब्रिविएशन दी हुई है आपको उसका फुल फॉर्म बताना है फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन थर्ड है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और फोर्थ है सेंट्रल वाटर कॉर्पोरेशन बताइए वॉट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ सी डब्ल्यू सी एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ठीक है दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सी डब्ल्यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आर आर सर्विसेज डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स दीज काइंड ऑफ सर्विसेज डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड डिमांड्स एंड आर नोन एज डैश पर्सनल सर्विसेज सोशल सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज बताइए देर आर सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स हिंदी बोलूँ तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हर इंसान हर कस्टमर द्वारा अलग वे में फील की जाती हैं अलग वे में ली जाती हैं एक्सपीरियंस की जाती हैं दीज काइंड ऑफ सर्विसेज डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंसेज एज सर्विसेज कस्टमर की प्रेफरेंसेस और डिमांड के ऊपर बेस होती हैं इन सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं पर्सनल सर्विसेज सोशल सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पर्सनल सर्विसेज जब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर इंसान पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे ये सर्विसेज लेता है तो नाम भी क्या होगा पर्सनल सर्विसेज राइट बाकी सब तो सबके लिए कॉमन ही होते हैं सोशल सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज सब तो कॉमन होती हैं सबके लिए

बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराता है तो उसके लिए ये एक असेट होता है क्योंकि उसने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है मतलब जोड़ के रखा है लेकिन बैंक वालों के लिए ये चीज़ एक लाइबिलिटी होती है इसी के बेसिस पे आपको बताना है ऑन दिस नेचर आप इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे टाइम लाइबिलिटी के रूप में डिमांड लाइबिलिटी के रूप में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में या नन ऑफ द दबाव के रूप में मतलब ये बैंक की किस तरह की लाइबिलिटी है And the correct answer of this question is demand liability. क्यों डिमांड लाइबिलिटी क्योंकि जब भी इंसान बोलेगा मुझे मेरे पैसे वापस दो बैंक को देने पड़ेंगे जब आपके खाते में पैसे होते हैं और आप एटीएम पे जाके विड्रॉ करते हैं तो बैंक वाले आपसे खींचते थोड़ी ना कि नहीं मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा मेरे पैसे हो गए नहीं ना जब भी आप डिमांड करते हैं आपको आपके पैसे मिल जाते हैं ना चाहे वो आप ए से विड्रॉ करें या बैंक में जाके वो रिसिप्ट विसिप्ट फिल करें और उसके बाद वो करें दैट यूज़ टू बी वेरी डिफिकल्ट मतलब आजकल की लाइफ तो बहुत सिंपल है कि ए वगैरह लगे हुए हैं इनिशियली ए उतने ज्यादा नहीं थे ऑब्वियसली मतलब आई हैव सीन दैट फेस जब ए उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं हुआ करते थे अब तो हर अगले चौराहे पे ए मिल जाता है उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता था अगर आपको धनराशि ज़्यादा निकालनी है या फिर बहुत अर्जेंसी है ए नहीं काम कर रहे तो आपको बैंक में जाके एक स्लिप भरनी पड़ती थी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था आपका जब नंबर आता था तब तो जाके बैंक वाले फिर अगर अमाउंट बड़ा होता तो बैंक वाले आपको थोड़ी देर बिठा देते थे और बोलते थे हम निकाल के आते हैं और निकाल के आके फिर वो आपको देते थे फिर आपको वो संभाल के घर तक लेके जाने होते थे इट यूज़ टू बी डिफिकल्ट एटीएम से लाइफ बहुत शॉर्ट हो चुकी है, तो ये चीज़ वही बता रहे है कि डिमांड लाइबिलिटी बोले तो इस नेचर की लाइबिलिटी जब आपने डिमांड कियाविंग अकाउंट करेंट अकाउंट रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं है ज्वाइंट अकाउंट है लेट मी टेल यू ये जो कॉन्सेप्ट जो ये आंसर निकलेगा ना इसका वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतनी तसल्ली से बताई थी और मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि मैं अपने इंटर्नशिप टाइम में इस तरह का डिपॉजिट मेंटेन करती थी और मैंने उसी के चलते हुए काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे तो मैंने आप लोगों को बोला भी था बींग स्टूडेंट्स आप भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसको हर महीने के बेसिस पे डिपॉजिट करके आप इस तरह के अकाउंट में अपना एक स्पेसिफाइड अमाउंट बना सकते हैं पांच सौ पांच सौ रुपए भी डिपोजिट करोगे तब भी चलेगा बताओ क्या है ये द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ क्वेश्चनिंग डिपॉजिट रियर होने वाली चीज आपको हर महीने इस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट के रेट पे मिलता है तो रेकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छी सीज़ है स्पेशली फॉर दोज़ पीपल जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो लोग जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है और पॉकेट मनी का एक हिस्सा उनका बच जाता है वो इस नेचर के अकाउंट में अपने पैसे डाल दे सकते हैं हर महीने और अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं और मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ यह वीडियो ज़रूर देखिएगा ये सिर्फ पढ़ाई के परस्पेक्टिव से नहीं आपकी लाइफ के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में ये बोल रहा है डैश इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट अंडर विच अस्टर इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन द अमाउंट टू हैज क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट कैश क्रेडिट टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट कंज्यूमर क्रेडिट बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ऑफ दिस क्वेश्चन डैश एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती है जिसमें एक डिपॉजिटर को अलाउड होता है चेक से ज़्यादा पैसे ड्रॉ करना जितना उसकी क्रेडिट लिमिट में है स्पेसिफाइड लिमिट जो उसकी है उसके ऊपर विदड्रॉ करना चेक से उतने तुम्हारे अकाउंट में है नहीं लेकिन उससे ज़्यादा तुम विदड्रॉ कर रहे हो दस रुपए हैं बारह निकाल रहे हो ये क्या फैसिलिटी है इतना हिंट दे दिया है मैंने अब तो आंसर बन ही जाना चाहिए एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंक ओवर ड्राफ्ट मतलब जब आपके अकाउंट में कम पैसे होते हैं लेकिन आप उससे ज्यादा ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं तो उसे बैंक ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है कंट्री वाइड सिस्टम थ्रू विच पर्सन कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक पर्सन हैविंग एन अकाउंट विद द अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री इज नोन एज डैश पे ऑर्डर आर टी जी एस बैंक ड्राफ्ट एन ई एफ टी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर अच्छा ये वाला जो चैप्टर है ना बिजनेस सर्विसेज ये सिर्फ और सिर्फ आपके इलेवेंथ के लिए काम नहीं आएगा ये सारी चीज़ें आर टी जी एस एन ई एफ टी आपका पे ऑर्डर आपका बैंक ड्राफ्ट ये सारी चीजें ना आपको लाइफ टाइम काम आएंगी आज की डेट में वी पीपल डू एन ई एफ टी आर टी जी एस हम कभी कभी पे ऑर्डर वगैरह भी यूज़ करते हैं तो ये आपके मतलब आप कुछ भी करो चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में बिजनेस कर रहे होगे कुछ भी कर रहे होगे ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यूज़ होने वाली हैं तो ये प्लीज़ तसली से समझिएगा ये बोल रहे हैं कि कंट्री वाइड साइड में एक सिस्टम चलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने का जिससे एक इंसान एक बैंक ब्रांच से दूसरे अकाउंट में पैसे डाल सकता है जो कि किसी और बैंक की ब्रांच में है जैसे ये एस में है तो ये आई आई में है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्विस uh, को क्या बोलते हैं हम चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं बताइए जरा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन ई एफ टी इससे इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वैसे आर टी जी एस से भी आप सेम काम करते हैं लेकिन लिमिट्स इनकी डिफरेंट होती हैं इसी के अलावा आई एम पी एस भी होता है आ, उससे भी आप कर सकते हैं वो भी बहुत मतलब वो ज़्यादा वो होता है लेकिन अगेन लिमिट डिफर करते हैं ये सारे के सारे डिफरेंसेज मैंने कवर करके रखे हूँ ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है चलिए नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लेवन विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट ध्यान से पढ़िएगा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट सेकेंड है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी मंथ इज लिमिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट अ करेंट अकाउंट कैन बी ओपन विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट आपको बताना है इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब गलत है चार स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई हैं गलत वाली आपको मार्क करनी है जल्दी बताइए करेक्टर डिपॉजिट अकाउंट नो इट इज नॉट डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है वो फिक्स नेचर की चीज है पैसे डाले जितने टाइम पीरियड के लिए डालोगे फिर से तीन साल के लिए डालो चार साल के लिए तो वो फिक्स रहेगा पहले तो होता था कि बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते थे अब देर इज अ फैसिलिटी कि आप थोड़ी पेनल्टी पे करके निकाल सकते हो बट वो डिमांड बेस्ड नहीं है कि जब मेरा मन किया तब निकाल लिया आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं बट बाकी ये तीनों जो है रेकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है बिल्कुल है सेकेंड है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेविंग में लिमिटेड होते हैं बिल्कुल होते हैं तभी तो लोग बात करंट अकाउंट खुलवाते हैं करंट अकाउंट आप पाँच से भी खोल सकते हो अरे मैंने करंट अकाउंट ढाई से खोला हुआ है बताओ कितने भी पैसे से खोल सकते हैं वो बैंक टू बैंक क्वारी करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वेन द लॉस इज रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉज विच ऑफ दर्म टू दिच दैचुर बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर हम्म बताइए हिंदी में अगर बोलूं मैं इसे हिंदी में बोलूं तो ये बोल रहा है कौन से मतलब वेन द लॉस इज रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉस्ट जब एक लॉस होता है दो या दो से ज्यादा कॉजे की वजह से which ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉज ऑफ which ओके okay, आपको वो टर्म बतानी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण डायरेक्ट कॉज जो था मतलब लॉस हुआ एक इंसान को उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे उसको वो लॉस बहुत सारे रीजंस की वजह से हुआ लेकिन जो डायरेक्ट रीजन था जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है उस वाले टर्म को आप क्या बोलोगे मतलब एक लॉस हुआ है बहुत सारे रीजंस की वजह से हुआ है लेकिन एक ऐसा रीज़न जो डायरेक्टली यू नो लाइक प्रोमिनेंट था सबसे ज़्यादा हाँ उसको हम क्या बोलेंगे बताइए जरा वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज प्रॉक्सीमेट मैंने शायद फ्लो फ्लो में प्रोमनेंट बोल दिया था तो कुछ लोग वहां से समझ गए होंगे कि प्रॉक्सीमेट विल बी द राइट आंसर क्योंकि रिलेटेड टर्म्स हैं इंग्लिश का रिलेशनशिप है बाकी प्रॉक्सीमेट इज द टर्म विच वी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो कि बोल रहा है थर्टींथ क्वेश्चन बोल रहा है वेन अ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरेंस दैट इज इन केस ऑफ मल्टीपल इंश्योरेंस द इंश्योर आर टू शेयर लॉसेज इन वॉट प्रोपोर्शन रेशो ऑफ प्रीमियम्स रिसीव्ड रेशो ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंश्योरेंस रेशो ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड इक्वल रेशो बताइए अभी मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगी बट पहले आप वैसे ट्राई कीजिए सो so, ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी पे एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस लेता है मतलब मुझे मेरी प्रॉपर्टी बहुत प्यारी थी तो मैंने क्या किया मैंने अब एक इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया इंश्योरेंस मैंने बहुत सारी कंपनी से ले लिया

करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेश ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड प्रॉपर्टी के जिस हिस्से पे जितना आपने पे किया होगा जितना अमाउंट आपने यू नो लाइक इंश्योर करवाया होगा उतना आप उनसे लेंगे ठीक है दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोलता है अंट्रैक्ट बाय विच द इंश्योर इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट नोन एज प्रीमियम अंडरटेक्स टेक्स टू पे टू अ पर्सन और हिस्स हेयर्स अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज डेथ और जेनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस स्पेशल इंश्योरेंस बर्गलरी इंश्योरेंस इसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं करूंगी तो आंसर ही होगा ठीक है तो आप खुद दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा इसका आंसर लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है चलो बताओ वट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन इज लाइफ इंश्योरेंस ये बोलता है जब एक इंसान ऐसा इंश्योरेंस लेता है कि वो मर गया तो उसके जो पीछे बचेंगे लोग उनको पैसे मिल जाएंगे और अगर वो नहीं मरा तो उसको पैसे मिल जाएंगे तो वो किस टाइप का इंश्योरेंस होता है तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है मैंने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया बट मैं अपने मरने की बात नहीं करूंगी ऐसी अशुभ बातें आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इवेंट ठीक है even, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दैट इज If the cargo does not reach its destination due to damage or destruction in the transit, the shipping company is not paid freight charges. To overcome losses suffered by such circumstances, shipping companies opt for Dash. Ship insurance, hull insurance, cargo insurance, freight insurance. What will be the correct answer of this question? Again, explanation required, hai, Hindi and required, hai, because will So, try karo this question. Ko. एंड आई होप आपने अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिख लिया है एंड स्टूडेंट्स देखो बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो लाइक बहुत सारी हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे तो हमें लगता है हर किसी का तो कुछ ना कुछ ओपिनियन हम हर हर किसी का थोड़ी ना ओपिनियन मानते रहेंगे और हो सकता है आपको मेरा भी ओपिनियन उतना अच्छा ना लगा ओवन आई साइड कि आपको नोटबुक पर ऐसे लिखना है बट मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकली बताती हूँ आप जिस एज ग्रुप में अभी हो उस एज ग्रुप में कभी हम भी थे हमने भी अपने पेपर निकाले हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस से वो बातें शेयर करते हैं कि देखो तुम आंसर खुद सोच लोगे कहीं लिखोगे नहीं ठीक है तुमने कहीं नहीं लिखा बस सोच लिया कि इसका आंसर ये होगा और मैंने डिस्प्ले किया तुमने बोला वाह ये मेरा आंसर ठीक है चलो बहुत बढ़िया चार तुम्हारे आंसर ठीक है पांचवा तुम्हारा आंसर गलत हो गया तुम्हें कैसे याद रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन था जो मेरा आंसर गलत हुआ क्योंकि तुमने तो सिर्फ अपने दिमाग में सोचा ना कहीं लिखा थोड़ी ना तो इसलिए बेटर रहता है कि नोटबुक पर लिख लो और लास्ट में एनालाइज भी करो कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत थे मुझे और कितनी प्रेपरेशन करनी है मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं मुझे और कितना प्रिपेयर करना है दिमाग में ही सोचते रहोगे सारे क्वेश्चन के आंसर तो लास्ट में ये तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन सही थे कितने क्वेश्चन गलत थे और हाँ चलो दूसरों पर इम्प्रेशन डालना है तुम कमेंट में लिख भी दोगे कि आउट ऑफ हंड्रेड नाइनटी एट क्वेश्चन मेरे सही थे लेकिन तुम्हारा जमीर जानता है तुम्हारे कितने क्वेश्चन ठीक थे है ना इस चेज सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए आंसर मत लिखना वाकई में जो मैं चीज बोल रही हूँ वो करना और देखो कोई भी ऐसे गारंटी नहीं लेगा लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर तुमने एक बार तसल्ली से जिस बेस मैंने तुम्हें बोला पढ़ने के लिए वैसे पढ़ोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे मार्क्स चलो वापस आ जाते हैं बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेट इंश्योरेंस ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन समझने के बाद समझ में आ ही रहा था हमें कि फ्रेट के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसको इंश्योर करने के लिए हम जो इंश्योरेंस लेंगे उसको हम फ्रेट इंश्योरेंस बोलेंगे ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे चलते हैं इट से इज द पॉलिसी डिजाइन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली ऑफ इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ डेथ डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू ऑल ऑफ एक्सीडेंट डिसेबलमेंट डेथ डेथिंग आउट ऑफ प्रॉब्लम इंसिडेंटल टू वुमेन ओनली इज नोन एज डैश राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना वुमेन्स हेल्थ इंश्योरेंस राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय पड़े से तो मेरे मुंह मतलब को मेरे को मुंह में पानी नहीं आता सॉरी मेरे मुंह से गलत नहीं गए बट मुझे मेरे दिमाग में वही आता है राष्ट्रीय पान मसाला है ना? है ना, ना महिला कल्याण बीमा योजना महिला कल्याण बीमा योजना दोनों तो सेम है अच्छा राजेश्वरी और राजश्री लिखा हुआ है ओके ओके चलिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है विमेन सेंटर्ड ये क्वेश्चन है आपको आंसर करना है बताइए बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and the करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजेश कल्याण बीमा योजना ये एक योजना है जो कि specifically women's के लिए start की गई है कि अगर वो मर जाते हैं तो उनके पीछे बचे हुए जो लोग उनके ऊपर dependent होते हैं उनको insurance का पैसा मिल जाएगा चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 17 which says

इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं और अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूं तो आप अपना पेस लेते हुए इस वीडियो को इसी टाइम पर पॉज कर सकते हैं उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन आंसर क्लिक कर दे फिर वीडियो को प्ले कर लीजिएगा ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो आप आराम से है ना चलो ये बोल रहे हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रिंसिपल के चलते हुए प्राइमरी ड्यूटी होती है इंश्योर की टू टेक रिजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम अकरिंग मतलब मैंने फायर इंश्योरेंस लिया था ठीक है किसका लिया एम ऑफिस का ले लिया ठीक है हाउ ए विल ऑफ मी राइट बड़े मैंने एम बी ऑफिस का फायर इंश्योरेंस ले लिया अब यहाँ कहीं पे थोड़ी सी मुझे स्पाकिंग दिखी ठीक है मुझे स्पार्किंग दिखी वाज निक फायर इंश्योरेंस तो लिया हुआ पर ने क्या करना है स्पार्किंग का? छोड़ो जलने दो <laughs> तो ऐसे में मैं गलत हो जाऊंगी राइट तो ये बोलते हैं जस्ट बिकॉज आपने किसी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है दैट डजेंट मीन कि आप रीजनेबल केयर नहीं लगाएंगे अगर आप उस प्रॉपर्टी को जलते हुए देखेंगे तो मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ था ठीक है मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की कहीं पे मैंने देखा दो चोर मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं छोड़ो यार नई गाड़ी ले लेंगे इंश्योरेंस तो लिया हुआ है क्या है ये इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे नहीं आपने देखा उन चोरों को जाते हुए लेते हुए सामान तो आपने रोका क्यों नहीं इस बात पर हम तुम्हें इंश्योरेंस का वो नहीं देंगे तो आपको रीजनेबल केयर करनी पड़ती है मैं बताती हूँ पिछले दो पिछले से पिछले हफ्ते ये जो ऊपर ट्यूबलाइट्स होती है ना स्टूडियो में हम शूट कर रहे थे ट्यूबलाइट से पानी गिर रहा था दो यहाँ का फायर इंश्योरेंस होगा मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ पंकज सर ने लिया होगा बट स्टिल मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ मैंने बोला नहीं पहले इसकी चेकिंग होनी चाहिए हम फिर शूट वो करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो हम गए बार हमने टेक्निकल टीम को बुलाया वो आए उन्होंने पूरा चेक किया दो घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा स्पेशली दो घंटे बट उसके बावजूद भी हमने पूरी केयर करने के बाद हमारा शूट स्टार्ट किया था तो मैं जो बोलती हूँ उतनी मैं इविल हूं नहीं है ना आई एम वेरी नाइस एस चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस ये बोलते हैं कि आपको वायर अक्कर होने से रोकने के लिए रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा एंड टू मिनिमाइज द लॉसेज और अगर, अगर आपको लग रहा है कि इतना एरिया तो जल गया है चलो जल गया है इसको और मत स्प्रेड होने दो अगर इसको रोक सकते हो इसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हो या इसको किसी कंबल वम्बल से कवर कर सकते हो तो वो करने की कोशिश करो तो लॉसेस Uh, कम करने की कोशिश करो मिनिमाइज करने की कोशिश करो इट इज़ ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस ये ड्यूटी होती है इंश्योर्ड पर्सन की जिसने इंश्योरेंस लिया होता है कि वो ध्यान दें इन सब चीज़ों के बारे में और ग्रेट केयर लगाए दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डैश इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं ये जो ये केयरफुल वाला नेचर होता है इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं बताइए अब मैंने बहुत तसली से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया अगर अब आपसे आंसर नहीं बना तो तो कुछ नहीं भाई नेक्स्ट टाइम के लिए देख लेना आंसर सही हो तुम्हारा है ना चलो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिटिगेशन आपने लॉस को मिटिगेट करने मतलब कम करने की कोशिश की थी हटाने की कोशिश की थी वो नहीं हो पाया द केस ठीक है तो ये प्रिंसिपल कहलाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच सेस अ सेविंग स्कीम रन बाय पोस्ट ऑफिसर्स इन इंडिया इन व्हिच द इन्वेस्टेड मनी इज डबल्ड इन 8 इयर्स एंड 7 मंथ्स डैश किसान विकास पत्र नेशनल सेविंग्स स्कीम नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट फिक्स्ड मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट स्कीम बताइए एक ऐसी सेविंग स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा रन की जाती है जिसमें आप जितना भी पैसा लगाते हैं वो आठ साल सात महीने में डबल हो जाता है 21 दिन में डबल नहीं हो रहा है सात साल नहीं आठ साल सात महीने में डबल हो रहा है उस स्कीम को क्या बोला जाता है पोस्ट ऑफिस द्वारा रन की जाती है जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं जैसे बैंक में हम डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी हम वो करवाते थे अब भी करते हैं कुछ लोग ये बेसिकली क्या है रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बैंक्स नहीं हो पाते थे मतलब आई एम पर्सनली फ्रॉम रूरल एरिया मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ पे इकलौता एक, एक बैंक था वो भी कभी खुलता था कभी नहीं खुलता था मतलब मन मोजी वे में खुलते थे तो हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी वो पोस्ट ऑफिसेज द्वारा होती थी क्योंकि गाँव में पोस्ट ऑफिस बहुत ईजीली पहुँच जाते हैं बैंक उतनी तेज़ी से नहीं पहुँच पाते थे अब तो सीनारियों डिफरेंट है अब तो बहुत सारे एरियाज़ डेवलप हो चुके हैं अब आपको ईजिली वो सब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बट स्टिल पहले के ज़माने में नहीं होता था तो बैंक वाली सारी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस वाले लोग करते थे तो ये उसी से रिलेटेड एक स्कीम हमने स्टार्ट की थी उस स्कीम के बारे में आपको बताना है जल्दी बताइए वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र ठीक है किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हुई थी किसानों के लिए हमेशा से बहुत सारी स्कीम्स थी अब आई डोंट नो क्या हो गया है चेंजेस आ गए हैं क्या हो गया हम किसानों को उतनी वैल्यू नहीं देते बट पहले के ज़माने में बहुत दिया करते थे आप लोगों को पता भी होगा सेवेंटी परसेंट ऑफ द हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ करती थी अब थोड़ा प्रपोर्शन डगमगाया है सर्विस सेक्टर इम्प्रूव होता जा रहा है बट देन अगेन अभी भी बहुत हाई प्रपोर्शन में लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और उसकी यू नो लाइक उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना इस देश का वो बनता है ड्यूटी बनती है रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चलिए इसी बात पे आते हैं, पे, हैं क्वेश्चन नंबर 19 कम्युनिकेशन सिस्टम लाइन सर्विसेज केबल सर्विसेज बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एंड ये बोल रहे हैं हिंदी में बोलो तो वन वे एंड अफोर्डेबल कम्युनिकेशन सिस्टम एक वे टू वे नहीं वन वे सिस्टम है ये और अफोर्डेबल है फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन इंफॉमेशन ट्रांसमिट करने के लिए मतलब एक ही इंसान इन्फॉमेसन दे पा रहा है यहाँ पे वन वे इन्फॉर्मेशन है ये बताइए मतलब वो कौन सा सिस्टम है जब मतलब सेलुलर मोबाइल सर्विसेज रेडियो पेजिंग सर्विसेज फिक्स लाइन सर्विसेज केबल सर्विसेज वन वे सिस्टम

जल्दी बताइए लिंकेजेस एंड स्विच्ड सर्विसेज एम्ड एट प्रोवाइडिंग वन वे एंटरटेनमेंट सर्विसेज इन अ स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन बताइए ऐसे क्या बोलेंगे हिंदी में बोल दिया तो समझ में आ जाएगा आंसर बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केबल सर्विसेज वन वे है आपको एंटरटेन करने के काम आता है स्मॉल एरिया में इजीली वो कर सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं दैट केबल सर्विसेज अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के बारे में ये है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज विच एनेबल्स कस्टमर्स टू रेमिट मनी टू कंट्रीज थ्रू अ पोस्ट ऑफिस इज इन कोलाबरेशन विद डैश कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल सर्विसेज वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी बताइए ज्यादातर ये क्वेश्चन फैक्ट रहे हैं अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपसे सारे बन जाएंगे और नहीं पढ़ी होगी तो कोई नहीं बनेगा बताओ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज़ के लिए किसी के साथ कोलैबोरेट किया था आपको बताना है वो कौन है बताइए कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ था The correct answer of this question is Western Union Financial Services. Again, Samjana will see a fact based question. है. क्वेश्चन ट्वेंटी टू बोलता है चेक विच इज डिपॉजिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट इज नोन एज डैश चेक 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 डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस नन ऑफ द ये वाले क्वेश्चन में आई डू नॉट वॉन्ट किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो रीजन बींग मैंने चेक तो आप तो ऐसे तसली से समझाए थे ना बिल्कुल ऐसे लाइने ड्रॉ कर करके कर, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके तो अब आई वॉन्ट इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए नहीं देखे वीडियो तो देख लो लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चलो बता दो जरा एक चेक जो कि पेईज बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट हो सकता है उस चेक को हम क्या बोलते हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रॉस चेक जिस पे हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं कि भैया ये सिर्फ पेई के अकाउंट में ही जा सकता है ऐसे लिखा जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड प्लेस फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर बैंक पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन एक वर्ड ऐड हुआ है मैं उसको अभी हाईलाइट नहीं करूंगी क्योंकि आंसर पता चल जाएगा चार ऑप्शन आपके पास है इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन उस क्वेश्चन में एक वर्ड का एडिशन हुआ है साथ में बताइए वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर कीजिए जल्दी से एंड एंड में मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर टी जी एस मैंने आपको पिछले एनई एफ टी वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आर टी जी एस भी सेम काम करता बट कुछ चीजें चेंज होती हैं क्या चीजें चेंज होती हैं ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रियल टाइम बेसिस पे हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मैंने अब ट्रांसफर का बटन दबाया अगले मिनट तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा मैं ऐसा बटन दबाऊंगी इन वैसे कि अपने पैसे किसी और को दे रही हूँ उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं तुमने अभी बटन दबाया और डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे आ गए एक ही मिनट के अंदर अंदर ये होता है रियल टाइम पे होना मतलब एकदम इमीडिएटली होना लेकिन जो एन होता था उसमें क्या होता था कि आप डालते थे बैंक वाले डेढ़ घंटा आराम करते थे उसके बाद वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे बट अब मैं आपको बता दूं एन की भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं होपफुली मैं उसके जितने भी अपडेशंस हैं वो कवर करूंगी एक अलग से वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था एन के बारे में पहले अब उसमें सर्टेन चेंजेस आर देयर लाइक कुछ कुछ आए हैं पिछले महीने ही आए गए आई गेस तो मैं वो सारे एक पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आपको ताकि आप अपडेटेड रहें विद द राइट नॉलेज चलिए रियल टाइम बेसिस पे आर टीजीएस होता है ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बोलता है पोस्टल सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय बोथ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड प्राइवेट सेक्टर पोस्टल सर्विसेज ऑफर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डैश स्पीड पोस्ट पोस्ट कुरियर पार्सल ये बोल रहे हैं पोस्टल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट के वो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं दोनों करते हैं पोस्टल सर्विसेज जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है वो उसको क्या कहलाते हैं सबको पता होगा गवर्नमेंट वाले बहुत सस्ते होते हैं लेकिन ये प्राइवेट वाले तो हद पैसे मांगते हैं इनके पास आओ इतना सा पार्सल होगा ₹200 दे दो ₹400 दे दो वही चीज़ अगर पोस्ट ऑफिस में जाओ ना मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं पोस्ट ऑफिस का भी जाती हूँ बड़ा सा भी पार्सल लेके जाती हूँ हार्डली वो मुझसे फिफ्टी सेवेंटी एट्टी रुपीज़ लेते हैं ठीक है और ज़्यादा नाटक भी नहीं होते चिक चिक भी नहीं होती बस ले लेते हैं और ये होता है कि भाई गारंटीड पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसका कोई वो नहीं है मतलब इट विल ऑलवेज भी क्वेश्चनेबल और ज्यादा टाइम टेकिंग होगा गवर्नमेंट के उससे भेजते तो लेकिन जब आप प्राइवेट वालों के पास जाते हो वो तीन दिन में दो दिन में आपसे वादा करते हैं पहुँचा देंगे पार्सल फुल सिक्योरिटी के साथ पहुँचा देंगे बट पैसे मांगते हैं चार सौ रुपये दे दो पाँच सौ रुपये दे दो आठ सौ रुपये दे दो मतलब ऐसे दिल खोल के पैसे मांगेंगे एक बार मेरे काजन ने मुझे कुछ पार्सल भेजा था इतना सा पार्सल था वो अठारह सौ रुपये लगे थे उस पार्सल को भेजने के तो प्राइवेट वाले भी सर्विसेज देते हैं सामान भिजवाने भिजवाने की लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इन कंपेरिजन टू द गवर्नमेंट वन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है जल्दी बता दो अब इसका आंसर क्या होगा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कुरियर जब हम बोलते हैं गवर्नमेंट की उससे भेजना है स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट का मतलब होता है तेजी से जाएगा रजिस्टर पोस्ट से आराम से जाएगा दस पंद्रह दिन का टाइम लेके कुरियर इज प्राइवेट वाले से हम भिजवा रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा 25th question, which says Satellite based entertainment media services provided by cellular companies over large areas with the help of a setup box and small dish antenna are known as Dash. Cable services, direct to home services, FM radio, none of the above. Bata what will be the correct answer of this question? What will be the correct answer of this question? Jaldi सैटेलाइट बेस्ड एंटरटेनमेंट मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज ओवर लार्ज एरिया हेल्प ऑफ ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट टू होम डी टी एच सर्विसेज अभी थोड़े टाइम पहले भी इसके बारे में बात की थी डी टी एच इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम इसका लॉन्ग फॉर्म होता है ठीक है

बोरो करने का मतलब लैंड करता है अपनी तरफ से उसे हम क्या बोलते हैं कैश क्रेडिट पासबुक कैश बुक अकाउंट पे याद रखिएगा बोरो कर रहे हैं आप बैंक से एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैश क्रेडिट क्रेडिट मतलब उधारी पे लेना ठीक है तो इतना आपने अमाउंट बोरो किया है बैंक से बैंक डिसाइड करता है स्पेसिफाइड लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ योर होल्डिंग्स ठीक है आपकी अभी तक की क्या हो रही है उसके बेसिस पे ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डैश एंड डैश इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डैश एंड डैश इंश्योर इंश्योर्ड एजेंट इंश्योरेंस इंश्योर्ड इंश्योरेंस इंश्योर फैमिली बताइए जल्दी बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and the correct answer of this question is insurer and insured. insured बोले तो वो इंसान जिसने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योर बोले तो वो इंसान जिसने इंश्योरेंस दिया है इन दोनों के बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दार क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी गेट्स हिस्सा Stock worth rupees fifty thousand insured for rupees seventy thousand. A fire occurs and the whole stock gets damaged. The insurance company admits a claim of rupees fifty thousand only and not of rupees seventy thousand. Identify the principle of insurance being implied. Applied. Principle of indemnity, principle of insurable interest, principle of subrogation, principle of contribution. Bataye. जल्दी बताइए क्या है इसका सही आंसर फिर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ इट सेज़ एक इंसान ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया था स्टॉक का प्राइस था पचास हज़ार रुपये लेकिन उसने इंश्योरेंस लिया था सत्तर हज़ार का एक फायर हुई वहाँ पे और पूरा का पूरा स्टॉक डैमेज हो गया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया सिर्फ पचास हज़ार का सत्तर हज़ार का नहीं किया आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीग एम्प्लॉयड आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बताना है जो कि अप्लाई किया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑफ प्रिंसिट्रीब्यूशन बताइए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ इनडेमिनिटी मतलब एग्जैक्टली जितना लॉस हुआ है उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आपने लॉस बेयर किया होगा उतना ही पैसा यू विल गेट एन रिटर्न ठीक है चलिए इसी बात में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 इट इन इन व्हिच ईयर इंश्योरेंस एक्ट वाज इंडिया डैश 1940 1928 1938 1945 आपको बताना है इंश्योरेंस एक्ट को किस ईयर में अमेंड किया गया था चेंज किया गया था चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जल्दी से बता दो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1938

पे कौन से वाला ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता सोचिए देखिए लाइफ किसी की है चली जाती है क्या चीज नहीं दे पाओगे उसको द आंसर इज इन कॉन्ट्रैक्ट इन का मतलब क्या होता है कॉम्पनसेट करना मतलब जो पहले स्थिति थी आप वापस से उसी स्थिति में जा रहे हैं बट कोई इंसान चला जाता है तो आप उसे पैसे तो दे सकते हो आप उसे हेल्प जरूर कर सकते हो लेकिन क्या इंसान की इंसान को वापस ला सकते हो

And the correct answer of this question is 1995. Again, factual question, the book, had to copy it. Question 32. It is a type of saving bank account in which express of a particular limit gets automatically transferred to a fixed deposit account. Multiple deposit option account, current account, recurring deposit account, salary account. This is nice. That's a question. Hai. ट्राई करो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर हिंदी में बोलूँ तो एक तरह का सेविंग बैंक अकाउंट जिसमें अगर एक लिमिट के ऊपर पैसे पहुंच जाते हैं तो वो उसे डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फिर से दस हजार की लिमिट थी मैंने अभी पंद्रह हजार कर दिए तो पांच हजार को फिक्स में ट्रांसफर कर देंगे उस अकाउंट को क्या बोला जाता है बताओ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट एक ही अकाउंट जिसमें अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं फैसिलिटीज मिल रही हैं इसी बात पे चलते हैं हम हमारे थर्टी थर्थ क्वेश्चन पे ये बोलता है डैश बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आर बी आई शेड्यूल्ड बैंक स्टेट बैंक कमर्शल बैंक कॉरपोरेशन बैंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है अति में सिंपल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो अति में सिंपल क्वेश्चन है बताओ जरा पर इकोनॉमिक्स वाले वो जो ट्वेल्थ पढ़ गए हैं मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज शेड्यूल्ड बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक का मतलब ही यही होता है कि जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिखे हुए हैं उन बैंक्स को हम शेड्यूल्ड बैंक्स बोला करते हैं ठीक है थर्टी फोर क्वेश्चन बैंकर्स आर नॉट ओनली डीलर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो लेंडर्स इन डैश इंडस्ट्री डेवलपमेंट सर्विस डेवलपमेंट ट्रेड डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बैंकर सिर्फ डीलर्स नहीं होते मनी के बल्कि लेंडर्स भी होते हैं किस चीज में चार चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली बैंक सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही काम आते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ऐसे मानिए सेवेंटी फाइव नहीं सेवन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन हमें और करने हैं अभी ठीक है तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए

नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच सेज अ पर्सन हु अंडरटेक्स टू इंडेम्निफाई इज कॉल्ड इंश्योरर इंश्योर्ड मिडिलमैन एजेंट चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं आपको बताना है एक पर्सन जो दूसरे को इंडेम्निफाई करने की गारंटी लेता है उसे क्या बोलते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है आई गेस राइट एंड द करेक्ट आंसर इज इंश्योरर क्योंकि इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका इंश्योरेंस हुआ है इंश्योरर वो पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस किया है मिडिलमैन मैन बिचौलिया इंसान एजेंट जो ऐसे कमीशन बेसिस पे काम करता है सो दिस वे एवरीथिंग गोज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है द फी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड डैश प्रीमियम प्रॉफिट डिविडेंट इंस्टॉलमेंट बताइए ये बोल रहे हैं जो इंश्योर्ड इंश्योर पर्सन होता है वो जो फ़ीस लेता है सामने वाले इंसान को इंश्योरेंस देने की उस फीस को एक नाम से जाना जाता है उस वो नाम क्या है प्रीमियम प्रॉफिट डिविडेंड इंस्टॉलमेंट इंश्योरेंस कंपनीज क्या लेती हैं आपके पेरेंट्स से आप तो अभी नहीं देते होंगे ना पेरेंट्स ही देते होंगे तो आपके से क्या लेती हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ पापा मम्मी को यूजुअली मेंशन करते हुए तो देखा होगा आपने कि अरे इंश्योरेंस कंपनी में भी सबमिट करना है वो क्या प्रॉफिट डिविडेंड प्रीमियम इंस्टॉलमेंट क्या दिस क्वेश्चन इज प्रीमियम हम सबमिट करते हैं प्रीमियम और उसके बदले में हमें मिलता है इंश्योरेंस कवर और इंश्योरेंस कवर मिलके हम इंश्योर्ड बन जाते हैं और जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिल जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 एट विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी डिक्लेरेशन पॉलिसी एक्ट ओनली कार्गो इंश्योरेंस बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी में इनमें से कौन सी वाली चीज कवर होती है मनी बैक पॉलिसी डिक्लेरेशन पॉलिसी एक्ट ओनली कार्गो इंश्योरेंस ये सारे टाइप के इंश्योरेंस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं बस वहीं से ये क्वेश्चन पिक किए हुए हैं अगर आपको टॉपिक में कोई भी यू नो डिफिकल्टी लग रही है डाउट है तो आप वो वीडियो देख लीजिए जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है

वट द करेक्ट आंसर जनरल इंश्योरेंस का इनमें से कौन से वाला फंक्शन नहीं है पहले जनरल इंश्योरेंस के फंक्शन को याद करो क्या क्या होते हैं और जो मैच नहीं हो रहा वही विल बी द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैटल इंश्योरेंस विच इज नॉट कवर्ड नॉट फंक्शन ऑफ जेनरल इंश्योरेंस ठीक है चलिए नेक्स्ट तो आप उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फोर्टी अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चल सकते हैं और अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड कम है ऐसा लग सकता है आपको कि मेरी स्पीड कम है अगर ऐसा लग सकता है तो आप ऊपर वो सेटिंग्स में तीन बंदी डली होती है वहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे स्पीड को चेंज करने का वो आएगा तो आप उसे कर सकते हैं चेंज अपने अकॉर्डिंग मैं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकती हूँ इसलिए मैं इस पेस पर पे बोलूँगी ठीक है चलिए नेक्स्ट है विच बैंक इज नोन एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया ये तो सिक्स क्लास का बच्चा भी बता देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया जल्दी बताइए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी बताइए विच बैंक इज नोन एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया सिक्स क्लास स्टूडेंट का लेवल का क्वेश्चन है ये एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Reserve Bank of India that is RBI, Hamara Central Bank. Next question, question number 41. It says the study of communication through touch is dash, chronomics, haptics, proxemics, semantics. Anyways, bhi naam the, difficult to pronounce, but इस कम्युनिकेशन थ्रू टच की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं जल्दी बताइए जब आप किसी से टच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो उसे उसे किस चीज की स्टडी बोला जाता है चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं आपको इसका आंसर करना है बताइए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज haptics 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 okay next question hai, question number 42 it says its main function is to control and coordinate the currency and credit policies of our country identify the institution mentioned here reserve bank of india state bank of india central bank bank of india हाँ जी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज जिस भी बॉडी को मतलब चारों में से एक बॉडी है जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इसका मेन फंक्शन है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज को आपको इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जो ये काम करता है और आपको ये पता होना चाहिए and the correct answer of this question is reserve bank of india acha अच्छा, i'll share a short story about reserve bank of india jab hum gaye the matlab i was in my 12th class ya shayad 11th class jab hamare school teacher hame RBI बी लेके गए थे फॉर एन एजुकेशनल टूअर होता था ना मतलब फैंसी स्कूल्स में होता है ऐसे सारे चोचले तो एक बार लेके गए हम लोगों को RBI तो ऐसे वैसे आर के अंदर जाना हर किसी को ऐसे परमिटेड नहीं होता स्पेशल परमिशन लेके यू कैन हैव अ टूअर तो पूरा ऐसे लाइन में जैसे हम स्टूडेंट्स चल रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी कि जो भी करेंसी फट जाती है ख़राब हो जाती है जिसके ऊपर सोनम बेवफा है जैसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो बाद में नहीं चल पाती है जिसके ऊपर टेप लगा देते हैं कुछ शानदार लोग तो वैसे सब नोट्स के साथ क्या होता है वो आई नोटिस फर्स्ट टाइम वहाँ पे उन नोट्स को बिल्कुल क्रश किया जाता है क्रश आजन लाइक वैसे क्रश नहीं करते बट कट 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 कट, कट पूरा काट देते हैं इतने इतने तो छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं और फिर उन बॉक्सेस के बंडल्स बना देते हैं उन पेपर्स के फटे हुए पेपर्स के बंडल्स बना देते हैं ऐसे यू जैसे वो नहीं होता सिलेंडर हमारा सिलेंडरिकल शेप में इतने इतने, इतने बॉक्सेस बना के वो उसे रखते हैं एक बॉक्स हमने खुलवा लिया था तो उसके थोड़े थोड़े नोट ले लिए थे एक्चुअली मेरे को ना बचपन से एक आदत है आई हैव लाइक दिस थिंग कि मुझे कलेक्ट करनी है हर चीज़ तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे पास उस चीज़ की एक निशानी होती है इफ़ आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट तो मैं वहाँ का टिश्यू पेपर जिस पे उस रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता तो है वो लेके आती हूँ अगर टिश्यू पेपर में नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं वहाँ का बिल कलेक्ट करके आती हूँ एंड मैं उसे अपनी स्क्रैप बुक में लगाती हूँ आज भी मेरे अंदर ये आदत है मैं कहीं पर भी नई जगह जाऊँगी एक ना एक निशानी ज़रूर ले कर तो वो आर विजिट की वो जो एक निशानी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है मेरी स्क्रैप बुक में चिपकी हुई है दैट वाज दिस फटे हुए नोट जो कि बंडल हमने खुलवा दिया था और उसके बीच में से हम निकाल के लेके आए थे आई डोंट नो क्या ही शॉक था उस टाइम पे बट ये चीज़ हमने वहां पे की थी और उन लोगों ने हमें अलाव भी कर दिया था कि देखिए इस तरह से हम बेकार नोट्स के साथ वो करते हैं तो जब भी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अरे ये नोट फटा हुआ निकला ये नोट टेप वाला निकला तो उनका नेक्स्ट वो क्या होता है कि बैंक में दे आना या बैंक में चल जाएगा क्यों चल जाएगा क्योंकि बैंक वाले ऐसे नोट्स को आर भेजते हैं और आर उन नोट्स को फाड़ के उनकी जगह नए नोट्स प्रिंट करके देता है तो इस तरह से पूरी अकाउंटिंग मेंटेन रहते हैं कि इतने नोट्स अभी सर्कुलेशन में है दो बहुत छोटी सी बात थी लेकिन काफ़ी काम की बात है तो आपके घर में कभी भी नेक्स्ट टाइम नोट फट जाए या आधा नोट मिले तो आपको उसे जाके बैंक को देना होगा ठीक है देना चाहिए एक्चुअली आपका फर्ज बनता है चलिए इसी बात पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैटेगरी ऑफ द चेक इज टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेज अकाउंट क्रॉस चेक बेरर चेक नॉट क्रॉस चेक एंड बोथ क्रॉस चेक एंड बेरर चेक एंड बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर कैटेगरी चेक की सिर्फ डिपॉजिट की जा सकती है पेइज के अकाउंट में आई गेस इस तरह का हम क्वेश्चनों को ऑलरेडी भी देख चुके हैं ना सो so, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी डायरेक्टली मैं आंसर दिखाऊंगी दैट इज क्रॉस चेक इस तरह का होता है मतलब यू चेक होता है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाया जाता है पेज अकाउंट लिखा जाता है यहाँ पे चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स नेपोलियनिक कोड मैग्ना कार्टा कोड ऑफ हमुराबी, चार्टर ऑफ लंडन क्या हो गया इनको ऐसे वर्ड्स क्यों ला रहे हैं ऐसी डिफिकल्ट प्रोनाशिएशन वाले एनी वेज अर्लीस्ट एप्लीकेशन बतानी है आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज की अच्छा ये ना एन सी आर टी में एक बॉक्स दिया हुआ था जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी इंश्योरेंस की वहाँ से पिक किया गया है क्वेश्चन तो आपको बताना है अर्लिएस्ट एप्लीकेशन इंश्योरेंस प्रिंसिपल का मतलब इंश्योरेंस कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है इट्स अ वेरी पुरानी कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट यू नो लाइक पहले जब अप्लाई होते थे वो किस फॉर्म में होती थी कहाँ हुई थी वो चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू द फोर ऑप्शंस प्रोवाइडेड यो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोड ऑफ हमूर कोड ऑफ हम हमू रबी ठीक है चलिए याद रखिएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा सा अलग किस्म का वर्ड है बट याद रखिएगा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन भी पिक किए जा सकते हैं क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कौन से वाला एलिमेंट प्रेजेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में चार ऑप्शन दिखे हुए हैं जल्दी पहचानिए क्या होगा करेक्ट आंसर आपका एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट पहले बता दूं पहले के टाइम में जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता था वो सिर्फ सिक्योरिटी देता था बट आज के टाइम में जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है मतलब अगर उस टाइम तक आप नहीं मरते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा मतलब जो भी आपकी पॉलिसी की रकम होगी वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पॉलिसी की जो भी रकम होगी वो तो मतलब कहने का क्या है एक इंसान ने इंश्योरेंस लिया ठीक है मर गया तो घर वालों को उतने पैसे मिल जाएंगे नहीं मरा तो उतने पैसे उसे ही मिल जाएंगे एक सर्टेन एज आने पे तो अच्छा सिक्योरिटी भी हो रही है कि लाइफ कवर मिल रहा है एंड इसके अलावा आपको बेनिफिट भी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का कि बच गए तो पैसे वेस्ट नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट के रूप में मिल जाएंगे आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इट्स इज द एडिशन ऑफ द वर्ड्स डायरेक्ट द बैंकर टू कलेक्ट द चेक एंड क्रेडिट द प्रोसीड्स टू द पे पेज अकाउंट मैनेजर अकाउंट पे कस्टमर बैंक जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर बैंकर को कलेक्ट करना है चेक और क्रेडिट करना है प्रोसीड टू पेज अकाउंट उसमें कौन से वाली चीज इस्तेमाल कौन से वाला वर्ड इस्तेमाल करता है कौन से वाले वर्ड इंडिकेट करता है सारी चीजें एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अकाउंट पे, ठीक है अकाउंट पे वो वर्ड है जो इस पर्टिकुलर चीज को डायरेक्ट करता है या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया पोस्टल ऑफिस बैंक्स एस बी आई इंश्योरेंस कंपनीज वच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया इनमें से कौन से वाली चीज़ की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में मैंने कई बार या शायद इसी वीडियो में पहले आपको बताया है कि ये चीज़ हर जगह मिलती थी कौन सी चीज़ थी उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ मैं ज़्यादा और नहीं खुल के बोल सकती बिकॉज फिर आंसर आ जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज पोस्टल ऑफिस मैंने आपको बताया था आई अ चाइल्ड व्हेन आई अ तो आई टू लिव इन अ विलेज राइट तो विलेजेस में बैंक नहीं होते हैं ज्यादा गिनती के एक दो होते हैं वो भी ढंग के विलेज में मतलब हमारा वाला विलेज वो मोर लाइक अ टाउन तो हमारे यहाँ पे एक बैंक था एक था या दो था ठीक है तो हमारे थोड़ा बहुत अकाउंट का काम वहाँ से होता था लेकिन जो बाकी सारे काम होते थे वो पोस्टल ऑफिस में ही होते थे पोस्ट ऑफिस में होते थे ठीक है तो पोस्ट ऑफिसेस बैंक्स का काम करते थे पहले के दिन टाइम में क्यों क्योंकि वो हर जगह होते हैं गाँव में शहर में हर जगह होते हैं इसलिए पोस्टल ऑफिस का लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस है इंडिया में और मेरे ख्याल से ना इस पर कुछ अवार्ड अवार्ड भी मिला हुआ है अपन को के इंडिया के पोस्टल पोस्ट ऑफिस पोस्ट जो है ना उसके बेसिस पे वी द नेशनल अवार्ड काइंड ऑफ अ थिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी एट ओके सो क्वेश्चन फोर्टी एट बोल रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन डैश करंट डिपॉजिट अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट बताइए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल रहती है चारों अकाउंट पेंशनड है आपको बताना है कहाँ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी आपको एंड ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट समझते हैं ना वैसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा विदड्रॉ करना ज़रूरत से ज़्यादा बोले तो दस रुपये बैंक में पड़े हुए हैं बीस रुपये विदड्रॉ कर रहे हो तुम तो. तो जितने तुम्हारे बैंक में पड़े भी नहीं हुए हुए हैं उससे ज़्यादा तुम विद्रॉ कर रहे हो दिस दिस इज़ कॉल्ड ओवर ड्राफ्ट मतलब आपने ज़्यादा निकाले हैं पैसे तो वो कौन से वाले ऑप्शन में आते हैं करेक्ट आंसर इज करंट डिपॉजिट अकाउंट account. Overdraft facility इस वाले अकाउंट में अवेलेबल रहती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये बोलता है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इज dash 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ बताइए क्या पीरियड रहेगा क्या वैलिडिटी पीरियड रहेगा डिमांड ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट की एक वैलिडिटी होती है वैलिड पीरियड होता है जैसे चेक का एक वैलिड पीरियड होता है दैट इज थ्री मंथ्स उसके बाद वो ख़राब हो जाता है मतलब बेकार हो जाता है उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती शायद इसको चेंज करके उन्होंने वन मंथ किया था एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेट लेकिन एक महीने का शायद टाइम कर दिया था ठीक है तो वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी कितनी रहती है वो बताइए द करेक्ट आंसर इज थ्री मंथ्स चेक जैसे ही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर और इसके साथ ही हम हंड्रेड के हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे पचास और बच्चे हैं पचास कर चुके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइड पोस्टल सर्विस ग्रीटिंग पोस्ट मीडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन और बचेंगे हमारे पूरे 100 एम के तो बताइए इसका आंसर क्या होगा इनमें से कौन सी पोस्ट पोस्टल सर्विसेस की अलाइड एक एडिशनल सर्विस है कौन सी है बताइए ग्रीटिंग पोस्ट मीडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन द करेक्ट आंसर इज स्पीड पोस्ट ओके स्पीड पोस्ट क्या होती है आई होप आप सबको पता है नहीं पता है आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं वो आए दिन करवाते आए दिन नहीं मतलब कभी कभी करवाते ही होंगे क्वेश्चन फिफ्टी वन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ अ कॉमर्स इंक्लूड डैश कॉमर्स इंक्लूड डैश नहीं द फंक्शन ऑफ अ बैंक इंक्लूड्स acceptance of deposits, granting of loans, locker facility, all of the above. But, what will be the correct answer? the functions of a bank includes acceptance of deposits, granting of loans, locker, locker facility, all of the above. the correct answer is ऑल ऑफ द अबव बैंक ये सारे काम करता है आपको लॉकर फैसिलिटी देता है जिसमें आप अपने गोल्ड वोल्ड का सामान रखते हो और कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ से वो लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल करते करते लोग मतलब बैंक में ही चोरी करते हैं डकैती करते हैं आपके गोल्ड निकाल लेते हैं और बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाता इसलिए लॉकर भी उतने ज़्यादा सेफ नहीं है वैन इट कम्स टू यू नो पुटिंग योर जुलरी इन एट ग्रांटिंग ऑफ लोन्स ऑबियसली लोन्स देता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आपके पैसे के डिपॉजिट के रूप में रखता है इसी बात पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इट इज टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय डैश ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय डैश ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन अच्छा ये टाइम यूटिलिटी वाली चीज़ है ना ये अभी मैंने और भी किसी चैप्टर में पढ़ाई है मतलब ये आएगी बार बार आएगी ट्वेल्थ में पढ़ाइए आएगी हाँ ट्वेल्थ में पढ़ाई है ट्वेल्थ में भी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें ये सारी चीज़ें बताइए कौन सी वाली चीज़ टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने में मदद करती है कौन सी वाली सर्विस द करेक्ट आंसर इज़ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ट्रांसपोर्टेशन uh, मदद करती है टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने में And next question is question number 53 It says, it is not a type of general insurance. dash Marine insurance, fidelity insurance, fire insurance, life insurance. It is not a type of general insurance. ये चीज general insurance में नहीं आती है। बताइए कौन सी वाली चीज? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। General insurance देख लो पहल तो क्या होता है? ठीक है? फिर उसके बाद पता लग जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि इंश्योरेंस का बाइफिकेशन ही ऐसे होता है कि एक तरफ होता है लाइफ इंश्योरेंस दूसरी तरफ होता है जनरल इंश्योरेंस तो हाउ कम लाइफ इंश्योरेंस को आप जनरल इंश्योरेंस के अंदर इंसर्ट करें लाइफ इंश्योरेंस बोले तो किसी की जीवन पे लिया हुआ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है चीजों पे सामान पे और बाकी सब चीजों पे लिया हुआ इंश्योरेंस चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर दैट इज वट इज द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेथ वर्ल्ड वाइड वर्क वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब ये वाइल्ड है ये वाइड है ठीक है ये वर्क है ये विद है बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर डब्ल्यू 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 जिसपे सारा दिन तुम्हारा निकल जाता होगा वो क्या है फुल फॉर्म क्या है उसकी जल्दी बताइए द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको एक्चुअल में आंसर नहीं पता तो आंसर करने का एक ट्रिक होता है क्या होता है आपने देखा यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन डिफरेंट थे वृथ अलग है वर्क अलग है लेकिन दो ऑप्शन ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं वेब वेब देख रहे हैं वर्ल्ड वर्ल्ड दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मिलते जुलते लग रहे हैं बाकी सारे डिफरेंट हैं तो ऐसे में हमेशा दिमाग चलाइएगा कि आंसर आपका इन दोनों में से ही एक होगा क्या समझे जब चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट मिलते जुलते हैं बस हल्का फुल्का सा डिफरेंस है तो मतलब आपका आंसर उन्हीं दोनों में छुपा हुआ है दैट्स आ टिप फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू सी क्यू इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर ठीक है और फिर आप इसको देखते तो वाइल्ड वेब तो नहीं रखेंगे वाइल्ड वाला थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे तो वाइड ही होगा ना वर्ल्ड वाइड चीज तो आपका थोड़ा कॉमन सेंस भी यू कैन आंसर सच क्वेश्चन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर रोड वाटर रेलवे च इज़ कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आवन जावन के लिए कौन से वाला मोड सबसे सस्ता पड़ता है बताइए ऐसे ही कैलकुलेट कर लो रोड से जाते हो तो कितना खर्चा आता है रेलवे से जाते हो तो कितना खर्चा आता है प्लेन से जाते हो तो कितना खर्चा आता है और शिप में पता नहीं बैठे होगे कि नहीं बैठे होंगे तो उससे कितना खर्चा आता है बताइए The correct answer of this question is water. इसलिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको बता दूं जो बल्कि सामान होते हैं ना जैसे हमें कुछ ले जाना है यहाँ से किसी और देश में तो हम उसे एरोप्लेन से नहीं भेजते बहुत महंगा पड़ जाएगा बहुत आप ये सोचो ना इतना सा पार्सल अगर हमें अर्जेंट में कहीं पहुँचाना होता है 1600-1700 रुपए सौ ले जाते हैं एक बार मैं अपने बॉस का एक छोटा सा अनविलप यू नो you लाइक know, ऐसे like, कुरियर वाले के पास लेके गई थी कि इसको प्लेन से भेजना है कि चार घंटे में वहाँ पे पहुँच जाए डेली पहुँचना था वो चीज़ एन एल एन सी वहाँ पे मतलब एन सी एल टी में ज़रूरत थी तो डेली पहुँचाना था वो चीज़ ठीक है मतलब उसी का कुछ केस चला था तो डेली में हमारा कोई बंदा था उसको तक वो पार्सल पहुँचाना था कुछ नहीं था एक पेपर था अनवलप था नॉर्मल और उसको भेजने के हम पूछ के आए थे कितने पैसे लगेंगे तो वन सेट एटीन हंड्रेड वन सेट नाइनटीन हंड्रेड एंड वन सेट सिक्सटीन हंड्रेड तो सिक्सटीन हंड्रेड में हमने उसे फाइनल किया था तो एक आनवलप एरोप्लेन से पहुंचाना है सिक्सटीन हंड्रेड कितना मतलब पूरा सामान भिजवाना तो तो बहुत महंगा हो जाएगा आप खुद भी देखते होंगे जब फ्लाइट्स पर जाते हैं तो अगर आपका लगेज जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होता है उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हर ग्राम के शायद तीन सौ रुपये ऐसे कुछ चार्ज करते हैं ना एक बार मेरी दीदी लाई थी कुछ सामान तो पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए थे कुछ ऐसा हुआ था सो आई नो बहुत पैसे लगते हैं तो एरोप्लेन तो बहुत महंगा पड़ता है रोड रोड पर खुद तो चलेगा नहीं पेट्रोल या डीजल से ही चलाएँगे और पेट्रोल और डीजल के दाम देख रहे हैं आप कहाँ पहुँच गए मतलब मैं अपनी स्कूटी में भी डर डर के डलवाती हूँ एंड uh, बात करें हम रेलवेज की तो रेलवेज़ में भी यू नो लाइक पैसा तो लगता है लेकिन व्हेन इट कम्स टू शिप और व्हेन इट कम्स टू वाटरवेज तो सबसे सस्ता पड़ता है तो किसी भी एरिया तक अगर आपको कुछ भी पहुंचाना होता है तो शिप पे भिजवाया जाता है जितने भी बल्कि हमारे वो होते हैं ना कार्गोज के थ्रू भिजवाए जाते हैं ताकि हमें सस्ते पड़े सो दैट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन next say which of the following is a contract of indemnity marine insurance fire insurance life insurance all of the above which of the fo following is a contract of indemnity marine fire life all of the above and the correct answer of this question is fire insurance क्योंकि यही देख लो यार बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है लाइफ को इंडेमिफाई कर सकते हो कभी नहीं कर सकते सो so, तो so, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि ऐसे चार ऑप्शन दिए और लास्ट वाला ऑल ऑफ द तो बिना सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव लगा दो आंसर दैट्स नॉट अ करेक्ट फॉर्म कई बार वो गलत भी हो जाता है ठीक है so, सो बात पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी कोई पूछने वाली बात है सबको पता तो कौन सा है है ना द करेक्ट आंसर इज आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिना सोचे समझे ये तो कोई भी आंसर कर देगा नींद में भी पूछ लो किसी से द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई आर बी आई पी एन बी आई सी आई सी आई लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया पहले ही एक नाम तो कट हो जाता है यहाँ से कमर्शियल नाम पूछ रहे हैं वो बैंक एस बी आई आर बी आई पी एन बी आई सी आई सी आई मेरे बैंक का तो नामो निशान ही नहीं है

टू फ्रांस विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट ओके सो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है उसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल फॉर माइड में एक क्वेश्चन पूछ लिया है ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपको आंसर क्लिक करे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपको एक आयरन और की कंसाइनमेंट को फ्रांस भेजना है ठीक है पहले तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं वाओ काफी पैसा कमा रहे हैं एनी वेज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू प्रेफर कौन से मोड का आप इस्तेमाल करेंगे आयरन और को फ्रांस भेजने के लिए एयर सी रेल रोड बताइए जरा अभी बताया मैंने आपको जल्दी बताओ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एयर नो 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 एयर कांट बी द राइट आंसर क्यों क्योंकि एयर से तो कितना खर्चा हो जाएगा और फ्रांस की लोकेशन देखिए आपने फ्रांस के पूरे साइड में क्या है पानी 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 है तो वहां पे हम पानी से ही भिजवाएंगे ना मतलब नॉट सी बट ओशियन से तो बी विल बी द करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ ए ए इज नॉट द करेक्ट आंसर बाय मिस्टेक दिस हंस मैंने बोला ना बहुत सारी जगह गलत आंसर्स दिए हुए हैं तो चलिए और अल्टीमेटली अगर आप अच्छा देखो एक चीज़ और बता देती हूं साथ में अगर आप कभी कभी काम करते करते मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बिल्कुल गलत आंसर है तो आप उसे जाके बुक से देख लीजिए एक बार क्योंकि हैं कुछ जगह ऑनलाइन भी ऐसे हैं और बुक्स में भी बढ़िया बढ़िया बुक्स में भी जिन नामी जामिल बुक्स हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स गलत दिए हुए हैं सो बेटर अपनी तसली कर लिया कीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस बिकॉज डैश द सम अश्योर विल बी सर्टेनली पेड द पॉलिसी विल सर्टेनली मेर डेथ विल सर्टेनली अक द लॉस विल डेफिनेटली अकर बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है क्यू चार ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइडेड है अपना टाइम लीजिए और सही आंसर बताइए हम्म द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सम बी पेड सर्टेन विल बी विल बी सर्टेनली पेड सम अशॉर्ट जो है वो सर्टेनली पे किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग चेक ए टी एम पी ओ एस ई एफ टी एस बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग चेक ए टीएम पीओ एस ई एफ टी एस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर चलिए द करेक्ट आंसर इज चेक ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी टू ये बोल रहा है इंडस एंड बैंक कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कोऑपरेटिव बैंक मैन ऑफ द मैं इसको पहले ना इंडसेंट के जगह ना इंडस लैंड पढ़ती थी मतलब मुझे लगता था कि इसका नाम इंडस लैंड है तो आई ऑलवेज यूज इंडस लैंड में है क्या तुम्हारा अकाउंट फिर एक बार किसी ने मेरी बहुत बुरी बेज़ती करते हुए मुझे करेक्ट किया कि नहीं तुम गलत बोलती हो दैट वर्ड इज दिस वन तो आई गॉट इट कि अरे ये इंडसेंट बैंक है ठीक है चलिए तो आपको बताना है कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक्स में आता है प्राइवेट में पब्लिक में कॉपरेटिव में नन ऑफ द ऑप्शंस में जल्दी बताइए आप लोगों का बैंक अकाउंट है क्या मतलब आप स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट बिकॉज जब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय एलैंथ क्लास मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था मेरा फर्स्ट बैंक अकाउंट खुला था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मतलब मैं एडमिशन नहीं ले रही थी ग्रेजुएशन में और वो कॉलेज वालों ने ही कॉम्प्लीमेंट्री टाइप करके पंजाब नेशनल बैंक के साथ अकाउंट खुलवाया था दो इट्स नॉन ऑपरेटिव नाउ आई डो नॉट यूज़ इट बट दैट वॉज माई फर्स्ट अकाउंट और अब तो मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ अकाउंट खुले हुए हैं क्योंकि हर अकाउंट में कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाती है मंत्रा पे ब्रेक मिल जाता है इधर मिल जाता है टेन परसेंट डिस्काउंट दिस एंड दैट जितने वो खुलवा लो चलिए बताइए ये कौन सा बैंक किस सेक्टर में आता है द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच इज इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम फ्रॉम वन बैंक टू अनदर डैश ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इमिडिएटली ऑन रियल टाइम बेसिस ऑन ग्रॉसिस ऑप्शन जी एस फुल फॉर्म देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या है आंसर चलिए आर टी जी एस हम फंड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं कैसे सेटल्ड इमीडिएटली मतलब उसी टाइम पे सेटल हो जाती है रियल टाइम बेसिस पे ग्रॉस बेसिस पे मतलब एक टाइम रहता है कितने से इतने इतने से इतने जैसे एन रहता है और नन ऑफ द ऑप्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन अ रियल टाइम बेसिस ठीक है वैसे ना एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए थी ऑन अ रियल टाइम बेसिस आल्सो क्योंकि आरटीजीएस में हम इमीडिएटली ही करते हैं बट क्योंकि ये वाला ज़्यादा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है फॉर्मेट में लिखा हुआ है अच्छा इलाबोरेटिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है दैट्स वाई वी आर सेलेक्टिंग दैट वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस ऑल द अबाउ फ्रेट हल कार्गो ये मेरे ख्याल से पहले पूछा हुआ है ऐसा कुछ लग रहा है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस मरीन मरीन इंश्योरेंस का कौन सा सब्जेक्ट मैटर है इनमें से कार्गो फ्रेट हल ऑल ऑफ द बफ देखिए वैसे ऑप्शन लिखने वाले ने क्या किया है ऑल ऑफ द अबव ही सबसे पहले लिख दिया है और बाकी सी सारी चीज़ें नीचे आई है ये कायदे से ऑप्शन नीचे होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे सही हैं राइट बट यहाँ पे ऑप्शन ही इंटरचेंज कर दिया जिसने भी मेहनत करी है बहुत ही कम मेहनत करी है और ऊपर से हमने और कम मेहनत करी है इससे चलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव मतलब फ्रेट हल कार्गो सारे सब्जेक्ट मैटर है हमारे मरीन इंश्योरेंस के चलिए इसी बात पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव पे इट्स इट इज नसेसरी फॉर ई बिजनेस डैश कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन ट्रेंड स्टाफ ऑल ऑफ द अबव इट इज ने फॉर ई बिजनेस वॉट इज ने फॉर ई बिजनेस के लिए क्या चीज जरूरी होती है कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन ट्रेंड स्टाफ ऑल ऑफ द अब बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आराम से बनना चाहिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबब क्योंकि कंप्यूटर होगा तो इंटरनेट चलेगा नहीं वैसे फ़ोन पर भी चल सकता है कंप्यूटर सिस्टम से इनका मतलब है कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर अपन इंटरनेट चला रहे हैं फिर इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली ट्रेंड साफ होना चाहिए किसी को कुछ आता ही नहीं है उसने कंप्यूटर पहली बार लाइफ में देखा क्या वे सारी चीज़ें इस्तेमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा सो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर आपको ई बिजनेस करना है तो क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स डैश इज प्लास्टिक मनी बैंकिंग ट्रांसफर्स चेक्स डिजिटल कैश क्रेडिट कार्ड व्हाट इज प्लास्टिक मनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछू एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है कौन से वाला है तो मैं इसे बोल देती हूं सिक्सटी सिक्स क्यों क्योंकि क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स है ठीक है तो इसी से रिलेटेड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सो आई एम ंग इट एज सिक्सटी सिक्स सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स आपसे पूछ रहा है वॉट इज प्लास्टिक मनी वॉट इज प्लास्टिक मनी आपको एक लाइन में या हद से या दो लाइन में कमेंट सेक्शन में इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर करना है पता है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट सेक्शन में होते हैं जहां आप लिखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर दस और उसका आंसर फिर बताते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का वो है वॉट इज प्लास्टिक मनी चलिए इसी बात पर आंसर कर दीजिए इसमें बैंकिंग ट्रांसफर चेक डिजिटल कैश क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का कौन सा एग्जाम्पल है द राइट आंसर इज क्रेडिट कार्ड अब क्यों वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो प्लास्टिक मनी वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंसेस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस बोथ बी एंड सी बताइए वट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हिंदी में बोलूँ तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन से वाले इंश्योरेंसेस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को फॉलो करते हैं जिनके ऊपर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है ध्यान से देखिए हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस बोथ बी एंड सी एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ बी एन सी क्यों क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में इनडेम्यूनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता बिकॉज जो इंसान जा चुका है उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं हो सकता हम दूसरे इंसान को री इंस्टेट कर दें वहाँ पे और बोले कि हाँ चलो हमारा इंडेम्यूनिटी वाला वो कंप्लीट हो गया नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है so, सो इस वे में बोथ बी एन सी वुल बी द करेक्ट आंसर्स चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन बोल रहा है रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डैश डिवीजन ऑफ रिस्क डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन नन ऑफ द पव हिंदी में बाद में बताते हूँ पहले ट्राई करो आंसर क्या होगा इसका अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं पेपर में जिसमें यू विल फील लाइक यार थोड़ा और डिटेल में बता देते क्या पूछना चाह रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूज कर देते हैं वो आपको कि यार मतलब जैसे ये क्वेश्चन है रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वट वट दे वॉन्ट टू आस्क नहीं बताया उन्होंने अच्छे से उन्होंने बस लिख दिया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिस्क तीन की वर्ड्स हैं आपके पास तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पूरा एक फ्रेज कि भैया ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किस प्रकार का रिस्क होता है फिर चार रिस्क लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यूल यूल मार्क द करेक्ट वन चलिए बताइए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज कोई भी नहीं इनमें से चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन मीनिंग ऑफ सी डब्ल्यू सी इज सेंटर वाटर कमीशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग सेंट्रल वाटर कॉरपोरेशन एक अब्रिवियेशन दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है बताइए सी डब्ल्यू सी का मीनिंग क्या है सेंट्रल वाटर कमीशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सेंट्रल वाटर कॉरपोरेशन The correct answer of this question is Central Warehousing Corporation. कॉरपोरेशन ठीक है इसके बारे में पढ़ाया हो मैंने सी डब्ल्यू सी के बारे में नहीं पढ़ा है आपने तो वो वीडियो देख सकते हैं और इसी बात पे हम आ गए हैं हमारे सेवेंटी क्वेश्चन पे अब सिर्फ तीस क्वेश्चन और बाकी हैं दैट्स एट फिर विल बी डन विद फोर्थ चैप्टर और विल डायरेक्टली जम्प टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फिफ्थ चैप्टर जिसमें हम और भी अलग चीज़ें पढ़ेंगे फॉर अ लेमेन सर्विसेज आर एजेंशियल डैश इन एंड कंसिस्टेंट इन्वेंट्री इन्वॉल्वमेंट फॉर अ लेमेन सर्विसेज आर एजेंशियल क्योंकि सर्विसेज क्या होती हैं इन टेंजिबल इनकन्सिस्टेंट इन्वेंट्री इन्वॉलमेंट बताइए अगेन मैंने आपको बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको लगेगा अरे पूछना क्या चाहते हो भाई वैसा वाला फील आएगा आपको पेपर में बैठे बैठे वो मीम्स में होता है ना जैसे बट वहाँ पे वो मीम्स काम नहीं आएंगे वो चीज़ और पैनिक क्रिएट करेगी इसलिए थोड़ा सा अभी से अपनी आदत ऐसे फॉर्म करो कि एक आधा ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम उसे अटैम्प्ट कर पाओ माइंड भी अभी तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आ रही होगी लेकिन जब पेपर में ऐसे हालात आएंगे ना तब बोलोगे हाँ यार पायल मैम ने ऐसा कुछ बोला था बीच में मेरे को पता है ना बहुत सारी चीज़ें बींग स्टूडेंट्स ना हमने भी वही चीज़ें की हैं कि टीचर्स जो भी बातें बोलते थे वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते थे और हमें लगता था क्या है यार इनके पास और कोई टाइम वो नहीं है काम नहीं है हमेशा बोलते रहते हैं तो आई नो तुम लोगों के भी अंदर से जो आती है ना वो ऐसी आती होगी कि क्या है यार इतना बोलते हैं बीच में पहले क्वेश्चन कराएं आंसर बताएं क्वेश्चन करें आंसर बताएं और बात खत्म कर दें बट नहीं जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और वो आप भी फील करेंगे लेकिन बाद में रिग्रेट के फॉर्म में आई डोंट वेस्ट तुम्हारे साथ ऐसा हो इसलिए जस्ट बी केयरफुल ठीक है चलो फॉर लेमन सर्विसेस आर एसेंशियल बिकॉज दीज आर इन ट्रांजिबल यू कैनॉट थर्विसेस चलिए इसी बात पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पे गुड्स आर स्टोर डैश वेयर हाउस कीपिंग एन ओपन बिल्डिंग पुन ऑफ दफ गुड्स आर स्टोर वेयर गुड्स को आप कहाँ स्टोर करते हैं बोलो मैम हम करते ही नहीं हमारा बिजनेस ही नहीं हम नहीं बता रहे बताओ जरा गुड्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं आई एम एन अ फन मूड टुडे इट फील्स लाइक जिस तरह से मैं मस्ती कर रही हूँ क्वेश्चन पे बट यू कैन डू दैट आपको सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इन सब पे हमारा तो क्या हो गया जो रहा था गुड्स आर स्टोर्ड एंड वॉट वेयर वेयर हाउसेस गुड्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं ठीक है चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच विच इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इश्यू ऑफ क्रेडिट लेटर कीपिंग वैल्यूएबल्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स गिविंग लोन फॉर एजुकेशन विच इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक आपको बैंक के प्राइमरी फंक्शन के बारे में बताना है कौन से होते हैं चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं इश्यू ऑफ क्रेडिट लेटर कीपिंग वैल्यूएबल्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स गिविंग लोन फॉर एजुकेशन जल्दी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर एंड द राइट आंसर इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स अब आप बोलेंगे मैम बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और गिविंग लोन्स तो आपने ये डी वाले वाले पॉइंट को क्यों नहीं सही किया जब भी हम बैंक के फंक्शंस पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं ना बैंक के दो फंक्शंस होते हैं एक्सेप्टिंग लोन्स और गिविंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और गिविंग लोन्स यही पढ़ते हैं ना तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्यों टिक किया आपने लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं टिक किया गिविंग लोन्स इज ऑल्सो अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक बट यहाँ अगर सिर्फ लिखा होता प्रोवाइडिंग लोन्स या लेंडिंग मनी तो मैं उसे करेक्ट करती लेकिन यहाँ लिखा है गिविंग लोन फॉर एजुकेशन इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट बना दिया है इनको ये पॉइंट जनरल रखना चाहिए था बट उसे इन्होंने स्पेसिफिक बना दिया है एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं माना जाएगा अब ये ऐसा क्यों किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए अब पेपर में आपका भी दिमाग वैसे चलेगा बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जैसे ही आप यू नो लैंड लैंडिंग या लोन देना देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा यार ये भी तो करेक्ट आंसर है बट यही चीज़ तो वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में आए और आपको नहीं लानी है यहाँ उन्होंने स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए लोन बोला है जेनरल नहीं बोला जेनरल बोलते तो वो करेक्ट आंसर होता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री आई होप आप क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ ना उन्हें समझने के लिए आपको इनके अलावा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है क्वेश्चन सेवनटी थ्री है सर्विसेज आर इनटैजबल मीन्स दैट सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज के नॉट बी सेपरेटेड सर्विसेज के नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज सर्विसेज़ के नॉट बी टस्ट और सीन बताइए सर्विसेज़ को आप इनटैंजबल क्यों बोलते हैं चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं

आपको कुछ नहीं करना था आपको ये वर्ड इनटैंजबल का मतलब ही यहाँ पे वो करना था सेलेक्ट करना था दैट्स इट सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता छुआ नहीं जा सकता एज अ रिजल्ट ऑफ इच सर्विसेज क्या होती हैं इन टैंजबल होती हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इट्स एज बेस्ट मीन फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डैश डिजिटल कैश क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैश ऑन डिलीवरी नेट बैंकिंग ट्रांसफर ऑनलाइन पेमेंट के लिए बेस्ट मीन कौन सा हो सकता है डिजिटल कैश क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैश ऑन डिलीवरी नेट बैंकिंग ट्रांसफर बताइए चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं यू हैव टू चूज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग बताइए कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर एंड प्लीज़ मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे स्कूल में बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम कब 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 रखे गए हैं मतलब कब रखा गया है टर्म वन का क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरी वो अक्टूबर में आने वाली टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए यू you नो know, फायदेमंद भी होगी कि नहीं होगी अगर आपके एग्ज़ाम ही सेप्टेम्बर में ख़त्म हो गए तो फिर अक्टूबर में टेस्ट सीरीज़ लाने का मतलब नहीं बनता सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपके स्कूल में टर्म वन के एग्जाम कब हो रहे हैं एलेवेंथ क्लास के चलिए द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिजिटल ओके दैट्स आल्सो नेट बैंकिंग भी अच्छा ऑप्शन है डिजिटल कैश भी अच्छा ऑप्शन है आई डोंट नो व्हाई दे हैव सेड दिस बट तीनों ऑप्शन अच्छे हैं अगर कोई ऑप्शन आता ऑल ऑफ द बाव इंस्टेड ऑफ सी ओडी तो यू शुड हैव चोजन ऑल ऑफ द ऑफाउ ठीक है आई एम टेलिंग यू दिस ट्वेंटी सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस वर्क डिविजन ऑफ रिस्क हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन टू गिव लोन नन ऑफ द अबाउ बताइए विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस वर्क इंश्योरेंस वर्क में कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं होती डिविजन ऑफ रिस्क करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू गिव लोन सिर्फ ये चीज इंश्योरेंस में कवर नहीं होती बाकी दोनों होती हैं रिस्क आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन होता है अगर आपने ऐसे किस्म का रिस्क इंश्योरेंस लिया है जो सिक्योरिटी कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया ना लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं कि मरे तो पैसे आपकी फैमिली को मिल जाएंगे नहीं मरे तो एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे आप ही को मिल जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह होता है तो उसमें आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है ठीक है सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन है इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एप्लीकेबल कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वन प्राइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पनसेशन नन ऑफ द पफ चलिए बताइए वट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल उस पर कौन सी वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है चार चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं यू हैव टू चूज द करेक्ट वन मेरे को ना एक बार वीडियो खुद देखनी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है अगर हंड्रेड क्वेश्चन है ना तो हंड्रेड बार मैंने ये बोला यू हैव टू चूज द करेक्ट वन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन थोड़ी सी अपनी फ्रेजिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी है ना चलिए बताइए चार क्वेश्चन चार ऑप्शन है बताइए क्या है सही आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेंसेशन लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेंसेशन नहीं होता है क्योंकि आप किसी के मर जाने के बाद उसके लाइफ को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते अरे ये तो फिर उनको भी समझना चाहिए उन मिनिस्टर्स को जब किसी के यहाँ पे मतलब जब आर्मी मैन मरते हैं या फिर फ्लड में यू नो ड्रॉट में अर्थक्वेक में लोग मरते हैं तो वो जाके क्यों ऐसे अनाउंसमेंट करके आते हैं कि पर पर्सन इतना 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 देना देंगे हर फैमिली को इतना इतना मिलेगा वो भी तो कॉम्पेंसेशन काइंड ऑफ वर्क करता है राइट तो लाइफ की कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होती सिंपल सी बात तो इनडेमिटी वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में ठीक है सेवेंटी सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट अ सर्विस इनमें से कौन सी चीज सर्विस नहीं है हेयर कटिंग ट्रांसपोर्ट रिक्रिएशन बुक बहुत बेसिक क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चीज सर्विस नहीं है ये आपको बताना है हेयर कटिंग ट्रांसपोर्ट बुक रिक्रिएशन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बुक क्योंकि बुक एक फिजिकल चीज़ है तो ये सर्विस नहीं एक गुड के रूप में गुड्स के रूप में आएगी हेयर कटिंग बाल काटना सर्विस है ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ ले जाना सर्विस है रिक्रिएशन कुछ नया क्रिएट करके दिखाना सर्विस है चलिए इसी बात में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इट इज द बिगेस्ट रिटेल बैंक एस बी आई एच डी एफ सी पोस्ट ऑफिस आई सी आई सी आई Which is the biggest retail bank? Bataye, konsa hai inme se biggest retail bank? SBI, HDFC, Post Office, ICICI. What will be the correct answer? And the right answer is SBI. एस बी आई रिटेल बैंक में सबसे बड़ा माना जाता है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बताइए दैट वॉज ऑल्सो एस बी आई राइट चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक स्पेशल बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इज डैश कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक स्पेशल बैंक बताइए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक क्या है सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक कॉपरेटिव बैंक है स्पेशल बैंक वो है सेंट्रल बैंक द करेक्ट आंसर इज स्पेशल बैंक इट्स अ स्पेशल नेचर बैंक ठीक है ना वो बाकी सब में नहीं आता एंड इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारे अस्सी अस्सीवें अस्सीवें एटीथ क्वेश्चन पे ठीक है अभी ये क्वेश्चन क्या है विच बैंक डू नॉट वर्क इन प्राइवेट सेक्टर लॉर्ड कृष्णा बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड कैनरा बैंक बताइए वट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच बैंक डू नॉट वर्क इन प्राइवेट सेक्टर कौन से वाला बैंक प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता है लॉर्ड कृष्णा बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड कैनरा बैंक एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैनरा बैंक दिस सेक्टर दिस बैंक डज नॉट वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर आई गेस इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था तब कुछ और ऑप्शंस थे ये कुछ और ऑप्शंस हैं ठीक है थीके? मैंने आपको बोला ना एक बार सारे बैंक्स देख लेना कौन प्राइवेट में आता है कौन पब्लिक में आता है क्योंकि वो वहाँ पे ना किसी भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे उन्होंने कैनडा बैंक से पूछा ठीक है वहाँ पे वो एस बी पंजाब नेशनल बैंक सिंध बैंक ये बैंक वो बैंक सब बैंक से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हर बैंक कहाँ प्लेसड है उसकी एक बार प्लेसमेंट चेक कर लेना इसी के साथ आ गए हम हमारे एट्टी फर्स्ट क्वेश्चन पे जो बोलता है नॉट ऑफ़ प्राइवेट सर्विस प्राइवेट सर्विस की कौन से वाली कैरेक्टरस्टिक नहीं है इनमें से फर्स्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड ट्रांसपोर्ट्स गोल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर They provide both national and international services. They take responsibility of transferring goods and services at the proper time. कौन से वाली private courier services की characteristic नहीं है? चार option आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको बताना है इसी में से अपना answer। And the correct answer of this question is ट्रांसपोर्ट गोल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्राइवेट कुरियर सर्विस की कि वो गोल्ड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाए बाकी सब है फास्टेस्ट मीन्स है हाँ है मैंने आपको बताया था ना गवर्नमेंट वाले उससे भेजोगे तो सालों साल लग जाएंगे सात आठ दिन चीज़ भी ख़राब मिलेगी मतलब एक बार मेरी भूआ ने आ, क्या भिजवाया था गवर्नमेंट वाले उससे गलती से उन्होंने गवर्नमेंट वाले उससे भिजवाया तो पिन्नी भिजवाई थी पिन्नी पंजाबियों में बहुत फेमस होती है इट्स बेसिकली लड्डू आटे का लड्डू बनता है ठीक है तो वो उन्होंने वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे भिजवाई भोपाल में बट जब तक वो यहाँ पे आई ना वो बिल्कुल क्रश डब्बा पूरा डब, मतलब टूटा हुआ इस तरह का हो गया था और पहुंची भी बहुत बाद में थी सत्रह अठारह दिन बाद पहुँची थी तो गवर्नमेंट वाली जो सर्विसेज होते हैं वो उतनी फास्ट नहीं होती उतनी एफिशिएंट नहीं होती लेकिन प्राइवेट वाली बहुत फास्ट और एफिशिएंट होती क्योंकि पैसा भी ये ज़्यादा चार्ज करते हैं ठीक है और अगर हम बात करें नेशनल इंटरनेशनल सर्विसेज हाँ मेरी दीदी हैं उनके भैया सिंगापुर में रहते हैं तो उनको राखी भिजवाते हैं तो प्राइवेट कुरियर मुझसे ही भिजवाते हैं तो इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर उन्हें बोले ना तीन घंटे में पहुंच जाना चाहिए एयर से भिजवाएंगे तो तीन घंटे में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैडम पहुँच जाएगा ठीक है सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट दिस वन चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 82 टू इट्स कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट इज नसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस दिस इज़ द डैश ऑफ सर्विसेस इनकंसिस्टेंट फीचर इन्वॉल्वमेंट फीचर इनसेपरेबल फीचर इन्वेंट्री फीचर बताइए कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस सर्विस प्रोवाइड करनी होती है तो उसमें कस्टमर की इन्वॉलमेंट ज़रूरी होती है दिस इज द डैश ऑफ सर्विसेज ये एक डैश फीचर है सर्विसेज का कौन सा फीचर है इनकसिस्टेंट इन्वॉलमेंट इन सेपरेबल इन्वेंट्री वाला कौन से वाला फीचर है बताइए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनवॉलमेंट फीचर भाई यहाँ देख रहे हो कस्टमर की क्या है इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है यहाँ देख रहे हो इन्वॉल्वमेंट फीचर बस दिमाग ही नहीं लगाना था ठीक है जब तक कस्टमर खुद नहीं इन्वॉल्व होएगा नहीं बताएगा मुझे क्या कैसे कब चाहिए तब तक वो सर्विस नहीं पूरी हो पाएगी ठीक so, है सो आज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वॉल्वमेंट फीचर है चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन बोलता है गुड्स आर डैश एंड सर्विसेज आर डैश दो डैश दिए हुए हैं आपको फिल करने हैं मतलब फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है और ऑप्शन uh, कुछ इस तरह से हैं होमोजीनियस हिट्रोजीनियस 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 होमोजीनियस होमोजीनियस हिट्रोजीनियस होमोजीनियस मतलब बेसिकली दोनों वर्ड्स हैं अलग अलग उसमें ये बो रहे तो बोल रहे हैं गुड्स भी होमोजीनियस होते हैं गुड्स होमोजीनियस होते हैं तो सर्विसेज हिट्रोजीनियस होते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट एंड ऐसे ही गुड्स और सर्विसेज दोनों को हाइट्रोजीनियस बोल रहा है ये और ये दोनों को होमोजीनियस बोल रहा है और लास्ट वाला गुड्स को हाइड्रोजीनियस और सर्विसेज को होमोजीनियस बोल रहा है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे दो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं

चलिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या ऑप्शन है करेक्ट इसमें एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है गुड्स होते हैं हमारे होमोजीनियस सॉरी होमोजीनियस और हमारे सर्विसेज होती है हेट्रोजीनियस ठीक है तो इस तरह से व्हाट आई सेइंग इज कि गुड्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो चीज पहले लिखी होनी चाहिए क्योंकि उसका ब्लैंक पहले है सर्विसेज के बारे में आपको क्या ओपिनियन है ना, वो चीज़ बाद में लिखी होनी चाहिए क्योंकि उसका ब्लैंक बाद में है ठीक है आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते यू कांट बी लाइक हेट्रोजिनियस मोजेस वाला आपने वो लगा दिया ऑप्शन सेंग कि अरे दोनों फिट हो रहे थे नहीं ऐसा नहीं ठीक है आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू पीपल ओके मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में बता दिया ओके क्वेश्चन नंबर 84 फोर से इस बेकिंग एंड इंश्योरेंस कम्स अंडर डैश टाइप ऑफ सर्विसेज बेकिंग नहीं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होगा ये यहाँ पे हम कुछ वो थोड़े ना बना रहे हैं वो क्या बोलता है उसको बेकिंग में हम क्या क्या बनाते हैं पास्ता भी बनाते हैं क्या नहीं नहीं बेकिंग में हम बिस्किट कुकीज केक्स ये सब बनाते हैं राइट तो बेकिंग नहीं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कम्स अंडर डैश टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस सोशल पर्सनल नन ऑफ द बव बताइए वट विल बी द करेक्ट आंसर बैंकिंग और इंश्योरेंस कौन सी टाइप ऑफ सर्विस में आती है बिजनेस में सोशल में पर्सनल में नन ऑफ द बव में एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिजनेस में ठीक है चलिए देखते जाइए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं कितने नहीं एंड उसी के अकॉर्डिंग मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा आउट ऑफ हंड्रेड आपने कितना स्कोर किया एटी फिफ्थ क्वेश्चन है सोशल सर्विसेज आर रेंडेड टू अटेन डैश गोल्स सोशल बिजनेस पर्सनल नन ऑफ द बहुत सिंपल क्वेश्चन है मतलब कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी बन जाएगा सो इट्ज सोशल साइंस आर रेंडर्ड टू अटेन डैश गोल्स जो सोशल सर्विसेज हम करते हैं साइंस नई सर्विसेज क्या हो गया मुझारो नो सोशल सर्विसेज जो हम करते हैं वो हम किन गोल्स को अटेन करने के लिए करते हैं सोशल बिजनेस पर्सनल मैन ऑफ द बफ एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोशल गोल्स सोशल सर्विसेज ऑब्वियसली सोशल गोल्स के लिए ही करेंगे हम ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी

करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज क्यों क्योंकि भैया देखो ये दोनों तो हमने बेसिक फंक्शंस पढ़े ही हैं कि बैंक्स क्या करते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और पैसे लेंड करते हैं राइट लेकिन वो ये सब करते क्यों हैं क्यों करेंगे समाज सेवा के लिए करते हैं नहीं खुद पैसा कमाने के लिए करने, करते हैं तो उनका बेसिक पर्पस तो प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है ना तो तीसरे वाला ऑप्शन भी ठीक है सो so, इसलिए ऑल द अब

बी ऑप्शन में मिल सकता है यहां आपको आरबीआई एक्ट भी ऑप्शन में मिल सकता है सो so आपको बताना है कमर्शियल बैंक्स मेजरली किससे गवर्न होते हैं चार पांच आठ तो आपके सामने लिखी हुई हैं। आप बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है बैंक्स को गवर्न करने वाले एक्ट के बारे में एंड द करेक्ट आंसर इज द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे आर बी आई एक्ट क्यों लिखा क्योंकि आर बी आई एक्ट जब लिखा होता है तो हमें लगता है यार पूरे बैंक को कंट्रोल करने वाला तो आर बी आई ही होता है सेंट्रल बैंक तो वही है तो हम नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक मतलब आर बी आई वाला एक्ट ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेकिन लेट मे टेल यू पीपल दिस की आर बी आई एक्ट आर बी आई को गवर्न करता है आर बी आई एक्ट आर बी आई को गवर्न करता है और कमर्शियल बैंक की गवर्नेंस के लिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया था जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन ठीक है सो आरबीआई माइट भी बाकी सारे बैंक को गवर्न करता होगा लेकिन वेन इट कम्स टू एक्ट तो आरबीआई एक्ट से हम नॉर्मल बैंक को गवर्न नहीं करते हम मेजरली इससे गवर्न करते हैं हाँ एक दो प्रोविजन ऑब्वियसली आरबीआई एक्ट के अप्लाई होते हैं कमर्शियल बैंक में भी बट दैट डज मीन की पूरी एक्ट उसके लिए बनी हुई है आर बी आई एक्ट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर गवर्नेंस ऑफ आर बी आई बैंक ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना उसको गवर्न करने के लिए वो एक्ट बनी थी बाकी

ऑप्शन uh, लिखे हुए हैं कमर्शियल बैंक क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं आप बताइए इनमें से कौन से वाला करेक्ट आंसर होगा कमर्शियल बैंक कैन बी कैटेगराइज एज डैश एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हम जब भी कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात करते हैं वे जनरल टॉक अबाउट कि पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक होता है तो हम ज्यादा रिलाय करते हैं उसके ऊपर प्राइवेट वाले कभी भी धोखा दे सकते हैं है ना प्राइवेट वाले में कभी भी झमेला हो सकता है कुछ भी हो सकता है और उस टाइम गवर्नमेंट भी उसकी गारंटी नहीं लेता लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक वालों की गवर्नमेंट अप टू तो एन एक्सटेंट गारंटी लेता है तो जब हम बोलते हैं हमारे पैसे वहाँ लगे हुए हैं तो वो काइंड ऑफ श्योरिटी होती है हमारे सर पर ठीक है चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच विच कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्नड बाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 Indian Banking Regulation Act 1949 Indian Penal Code State Cooperative Societies Act पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था कमर्शियल बैंक्स से एसोसिएटेड का कमर्शियल बैंक्स को कौन गवर्न करता है यहाँ हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कॉपरेटिव बैंक कौन गवर्न करता है तो बताइए चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं कौन सा है उनमें से करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फॉर्म किया गया बैंक है तो ऑब्वियसली इसका एक्ट कौन सा होगा डिफरेंट होगा सो so याद रखिएगा आरबीआई को गवर्न करने के लिए आरबीआई एक्ट लगता है कमर्शियल बैंक्स को गवर्न कर ले करने के लिए इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है और कॉपरेटिव बैंक्स को गवर्न करने के लिए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लगती है ठीक है तीन अलग अलग चीजें तीन अलग अलग वे से क्वेश्चन आ सकते हैं रट्टेबाजी मत करना कि हमेशा यही टिक करके आ जाऊंगा नहीं तीनों के अलग अलग आंसर होंगे इसी के साथ चलते हैं हमारे नाइनटीथ क्वेश्चन पे और दस क्वेश्चन और पेंडिंग है इसके बाद पूरे सौ हो जाएंगे एंड इट सेज डैश बैंक इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया कमर्शियल सेंट्रल एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया कमर्शियल सेंट्रल स्पेशलाइज कॉपरेटिव। लेट मी टेल यू पीपल कि आई बिलोंग टू एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ मतलब जिनके पास ये सब होते हैं माई फादर वॉज अ फार्मर तो मुझे बचपन में जब बैंक के बारे में पता था तो मुझे उसी बैंक के बारे में पता था जो ये एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स वालों को सपोर्ट करते हैं ठीक है थीके? तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बैंक का नाम सुना था तो यही सुना था लाइफ में बताइए कौन सा होगा इनमें से चारों में से ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कोऑपरेटिव बैंक हमारे वहाँ पे था ही यही बैंक आई से आई लिव इन रूरल आई यूज टू लिव इन रूरल एरिया तो वहाँ पे एक ही बैंक था वो ये कोऑपरेटिव बैंक ही था बाकी पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे और बहुत बाद में जाके कहीं एस खुला तो वो भी बहुत छोटू सा था अब तो खैर वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं एनी वेज क्वेश्चन नाइनी वन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू फॉरन ट्रेड स्पेशलाइज बैंक्स सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर Banks that provide financial aid to foreign trade. यहाँ अब क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे आपको अलग अलग बैंक्स आपने पढ़े थे राइट अलग अलग टाइप्स के बैंक्स पढ़े थे हर बैंक की खुद की एक स्पेशलाइजेशन थी कि वो इस चीज़ में डील करता था उसके कुछ फंक्शंस थे राइट तो यहाँ पर अब इंडिविजुअली एक एक फंक्शन को उठाया गया है एक एक उसके काम को स्पेशलाइजेशन को उठाया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ ये स्पेशलाइजेशन किस बैंक की है ये फंक्शन किस बैंक का है तो इसके लिए आपको जब बुक आप पढ़ रहे होंगे तो आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा इस वजह से कि आपको फंक्शन याद रहे कि कमर्शियल बैंक ये काम करता है बैंक ये काम करता है सो so आपको यहां पे बताना है ऐसा बैंक जो कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज में स्पेशलाइज बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल कमर्शल कोऑपरेटिव बैंक एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेश अलग से बैंक होते हैं इनके लिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92 विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज डिसअपॉइंटेड इतनी बाद में आके इतना सिंपल क्वेश्चन लाइक सीरियसली सेंट्रल बैंक पूछ रहे हैं आपसे आरबीआई है एसबीआई है पंजाब नेशनल बैंक है देना बैंक है देना बैंक है एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा आरबीआई इसमें तो कोई वो ही नहीं है मतलब मेरे को नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा 93 है अ बैंक दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज स्पेशलाइज्ड बैंक कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल बैंक नन ऑफ द अबव अ बैंक दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज स्पेशलाइज्ड बैंक कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल बैंक नन ऑफ द अबव एक बैंक जो की कंट्रोल और सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंकस की एक्टिविटीज को अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन

ऑल ऑफ दीज मतलब ये सारे सारे फंक्शन हैं एक बैंक के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव और उसके बाद सिर्फ पाँच क्वेश्चन रहते हैं एंड नाइन्टी फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है चेक दैट आर एन कैशेबल इमीडिएटली एट बैंक काउंटर्स आर वेर ऑर चेक क्रॉस चेक डिपॉजिड चेक ऑल ऑफ दीज चेक्स दैट आर एन कैशब इमीडिएटली एट बैंक काउंटर्स आर मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे बहुत ऐसे इनकेशबल चेक्स लेके मैं बैंक में गई हूँ मतलब उस टाइम पे मुझे लगता था अरे सर मुझे पैसे का मामला दे रहे हैं मतलब सौंप रहे हैं बाद में आई रियलाइज कि भी उन वाले काम करा रहे हैं मतलब आर्टिकलशिप में ऐसे ही होता है आपकी घोर बेइज्जती होती है आपसे ऐसे चुटुर पुटुर काम कराया जाता है समटाइम्स लाइक द बॉस आस्क यू टू ब्रिंग अ पेन जाओ नीचे जाके पेन लेके आओ एक बार मेरे सर ने भेजा था आई वॉज इन नोइंग की ये सब काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि अपनी तो बचपन से ही ईगो बहुत हाई थी तो एक बार सर ने मुझे बोला जाओ नीचे से ब्लैक कलर का पेन ले के आओ आई वेंट पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे ओवर टाइम कराया गया था स्पेशली पेन ले जाने के लिए तो मुझे पहले उस चीज़ पर गुस्सा आ रहा था देन नीचे जाके आई साइड कि सर ये वाला पेन नहीं मिल रहा जो आपने बोला है के नाई ब्रिंग ना दो पेन ही साइड नहीं नहीं चार दुकानें और घूमो और तब तो मेरा फ्रस्टेशन लेवल ऐसे हाई हो गया था ना आई बोस लाइक छः बजने के बाद इस बॉस ने मुझे बिठाया है ऑफिस में उसके बाद ये मुझे पेन लेने के लिए भेज रहे हैं दैट टू सेइंग कि नंबर ऑफ दुकानें विजिट करो टू गेट दैट सिमिलर पेन लाइक सीरियसली ब्लैक पेन चाहिए ना कोई भी यूज कर लो इतना क्या वो है बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर उनको जो पेन चाहिए होता था वही चाहिए होता था ओ सी डी टाइप्स था उनके साथ कुछ ऐसी मुझे लगता है प्रॉब्लम थी सो so, फिर मैं ऊपर आई एंड ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि ऑफिस में कैसे बिहेव करते हैं मेरे पेन उठा के ऐसे टेबल पर पटकने वाला एंड आई एम अ शेड ऑफ़ दैट थिंग अभी भी बट मुझे उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि क्या काम करा रहे हैं बाद में मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि आर्टिकलशिप में ऐसी ट्रीटमेंट होती है आपके साथ सो so आप भी कभी फ्यूचर में आर्टिकलशिप करेंगे तो ऐसे बहुत बेसिक नेचर के काम आपको करने पड़ेंगे एंड प्लीज़ दिल से कीजिएगा जाने दीजिएगा ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा ईगो पे हर्ट ना होने देना जैसे मैंने होने दिया था सो so, ऐसे काम मैंने बहुत कराए हैं और उन चेक्स को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है अच्छा द रीज़न आई शेयर माई स्टोरीज इन बिटवीन इज दिस कि जब हम ना किसी कॉन्सेप्ट को स्टोरी के साथ लिंक करते हैं ना तो हमें वो कॉन्सेप्ट याद रह जाती है इससे जनरली ऑब्वियसली अब आई डोंट नो अबाउट यू मतलब आप लोगों की स्टोरी लेकिन मेरी जो होती है मैं वो बता देती हूँ तो अगर आपकी खुद की पर्सनल कोई स्टोरी है आप वो याद रख सकते हैं या आप मेरी स्टोरी से ही याद रख सकते हैं कि मैम के साथ ऐसा हुआ था मैम ने ये बताया था मैम आर्टिकल शिप की बात कर रही थी तो इसका आंसर ये होगा ऐसे ही होता है जब हम फीलिंग्स को गानों के साथ कर लेते हैं 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 तो कैसे वो गाने हमें समय के लिए याद रहते हैं? रहते ना बिल्कुल वैसी चीज़ है 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 ठीक है? So, चलिए आपका इन डैश अकाउंट बेरर डिपॉजट ऑल ऑफ मेरे ख्याल से बहुत बहुत बार आ चुका है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

लॉकर फैसिलिटी आप अपने गोल्ड अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने ज्वेलरीज आप अपने डायमंड सारे रख सकते हैं लॉकरज में वो एडिशनल फैसिलिटी होती है e -banking, banking, banking, जो बैंक देता है आपको नाइनटी एट्थ क्वेश्चन है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड डैश ई बैंकिंग इफेक्टिव बैंकिंग क्लाउड बैंकिंग नन ऑफ द बॉफ सर्विसेज जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेट के थ्रू से क्या बोलते हैं ई बैंकिंग इफेक्टिव बैंकिंग क्लाउड बैंकिंग नन ऑफ द बॉफ सिंपल है गेस एंड द करेक्ट आंसर इज ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं ई e वर्ड आ, आ जाता है है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ठीक चलिए क्वेश्चन है ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे इज द फुल फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग इज वाव अब भी बताया जस्ट मैंने इसका आंसर और ये क्वेश्चन पूछ लिया बताओ जरा क्या बताऊं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग इफेक्टिव बैंकिंग एफिशियंट बैंकिंग बताइए एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया एंड इसी बात पर हम आ जाते हैं हमारे सौ वे क्वेश्चन पे जो कि है टू वेज इन विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैन बी डन आर एन ई एफ टी पी एफ टी पी एफ टी एंड एन एफ टी एन ई एफ टी एन आर टी जी एस आर टी जी एस एंड एन एफ टी बताइए टू वेज इन विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किन किन वेज के थ्रू हो सकता है आपको बताना है एंड दो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं चार ऑप्शन लिखे हुए हैं आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें से ठीक है एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन ई एफ टी एन आर टी जी एस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ चुके थे तो अगर आपने सौ क्वेश्चन पूरे देखे होंगे तो आपको बीच में ये अंदाज़ा मिल ही गया होगा राइट चलिए इसी के साथ हमारे हंड्रेड क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है एंड आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने आउट ऑफ हंड्रेड कितने अटैम्प्ट किए आपके कितने सही गए एंड किन किन क्वेश्चन में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन आया है विदाट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अगर इस चैप्टर में पूछे थे तो उनका आंसर आपको देना है इन द कॉमेंट सेक्शन स्टेटिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर दस अभी भी मैं नोटिस कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर की वीडियो के नीचे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर मैंशन नहीं करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के सीधा आंसर कर देते हैं अब मैं कैसे रिकग्नाइज करूँगी कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर पूछो दो आई नो आप कौन से वाले का बताना चाह रहे हो पूछ नहीं रहे हो बता रहे हो दो आई नो कि आप आंसर से पता चल रहा है कि कौन से वाले का बताना चाह रहे हो लेकिन फिर वो वो करेक्ट वे नहीं है ना यू हैव टू राइट द नंबर आल्सो ठीक है चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब आप मैगनेट रेंज चैनल को सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वॉट यू हैव टू डू इज सर्च मैगनेट रेंज डॉट कॉम आपको ऐसा एक वेब पेज खुला दिखेगा यहाँ आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में और इसके बाद ये खुल जाएगा एलेवेंथ क्लास का एलैंथ स्टडीज बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स का डिटेलिंग यहाँ पर वॉचनाओ में आप जाओगे तो आपको पूरा ऐसा सीरीज दिख जाएगा कि हर एक चैप्टर में कितने 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 लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं और आपको कौन से देखना है आप डायरेक्टली कोई भी टॉपिक पर भी जंप कर सकते हो और जैसे ही आप जंप करोगे आपके सामने वीडियो खुल जाएगी जिसमें मैं आपको दिखूंगी एक्सप्लेन करते हुए एंड इस तरह से आप अपनी इलेवंथ की प्रेपरेशन कंप्लीट कर सकते हो नॉट ओनली इलेवेंथ की ट्वेल्थ की भी प्रेपरेशन कंप्लीट कर सकते हो येस्टडे ओनली किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम मैंने इलेवंथ आपकी वीडियोज़ देख के निकाला एंड आई गॉट नाइन्टी नाइन आउट ऑफ हंड्रेड दट वज़ लाइक बहुत बड़ा यू नो लाइक अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो क्योंकि जब बच्चे अपनी सक्सेस बताते हैं तो बहुत खुशी मिलती है तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए एंड एट द सेम टाइम आपके टर्म वन में स्कूल में कितने नंबर आए एंड दैट्स एट आपको एक और चीज़ दास्ट में जादू की मैग्नेट रेंज पे अब के नकारात्मक से लेकर 12 तक की सारे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक्स